सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कसकाय और मैं नजीत लौड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आनंद मिलन सिटीजन की एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले बार क्या देखा था, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से गो थ्रू किया, हमने अच्छे से उसकी हर एक इंट्रोडक्टरी लाइन देखी, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू किया। अगर अभी तक आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ 2023-24 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही होने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रहा था कि मुझे लगा सबसे बढ़िया चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए। अभी तक नहीं देखा जल्दी जाके देखो, यहीं पे आ चुका होगा या फिर आप मेरी वहां पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर मेरी प्लेलिस्ट होगी वहां पे आप देख सकते हो। वन शॉट भी आ चुका है इसका, 2 घंटे कुछ 40 मिनट का जरूर देखना उसे, एक बार ही गो थ्रू कर लोगे आप चैप्टर्स को, मुझे नहीं लगता उसके बाहर से कुछ भी एक सिंगल पॉइंट भी आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं, सर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हमारे लिए सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि जनरली स्कूलों के अंदर यही चैप्टर्स करवाए जाते हैं, स्कूलों के अंदर या तो मनी एंड बैंकिंग से स्टार्ट करवाया जाता है या चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करा जाता है। तो अभी हमें उसके स्कूलों के अकॉर्डिंग भी देखने, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी अपने यूनिट टेस्ट को अपीयर करने ही वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 मनी, तो सर क्या है ये, पैसा 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 पैसा। तो चैप्टर नंबर 5 मनी, सर मनी है क्या चीज, सर मनी का क्या इंपॉर्टेंस और सीबीएसई ने क्यों दिए हमें चैप्टर। मैं हमेशा कहता हूँ दो चीजों के ऊपर सीबीएसई सर फोकस करिए, कंसेप्चुअल थिंकिंग और व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों चीजों के अकॉर्डिंग देखेगी, क्यों सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस की परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई है। तो सीबीएसई कह रहे हैं कि हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे सर कंसेप्चुअल थिंकिंग और व्यू पॉइंट के, क्योंकि स्टूडेंट्स की राय क्या है, स्टूडेंट के अंदर रट्टा फिक्सेशन कितना कम है और जानकारी कितनी ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। सबसे पहला पार्ट को जो हम जो अभी कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या देखेंगे, मनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे मनी के फंक्शंस, और तीसरे और लास्ट पार्ट के अंदर हम सप्लाई ऑफ मनी को देखेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर इसके बाहर से कुछ नहीं आता। जनरली देखा जाए जो बार्टर सिस्टम है ना, उसके ऊपर पिछले कुछ सालों से जो हम इस यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक, जनरली काफी सालों से नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि सीबीएसई अचानक से प्रकट होता है कि एक जो टॉपिक है जो काफी सालों से नहीं आ रहा वो अचानक से दे देता है। तो बार्टर सिस्टम इसके अंदर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लिख लो साथ साथ कि अगर आप इस चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करो ना, आपको कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है, एक तो बार्टर सिस्टम को अच्छे से करना, और फंक्शंस ऑफ मनी जो कि पिछले साल रिलेटेड थे, पिछले साल एड ऑन तो हो गए थे वो, पर काफी जगह सीबीएसई ने मेरे सबसे एग्जाम्स में इसलिए नहीं दिए क्योंकि सीबीएसई को लगा कि अवेयरनेस नहीं है, पर इस साल फुल अवेयरनेस इन टॉपिक्स के बारे में। तो सीबीएसई फंक्शंस ऑफ मनी को भी दे सकता है, ये दोनों मुझे लगता है सबसे मोस्ट क्रूशियल मतलब पॉइंट देखा जाए या फिर क्रूशियल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर आने से। और जो तीसरे सप्लाई ऑफ मनी, वहां पे 1 मार्कर क्वेश्चन से भरा पड़ा है वो, आपको 1 मार्क क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहां पे, तीनों वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करना, किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 मनी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मेरे हर नोट्स के अंदर एक इंट्रोडक्टरी लाइन होती है। आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। आंसर को 4 तरीके से मतलब 4 पार्ट्स के अंदर अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा आपको फ्लो चार्ट्स बनाने, तीसरे के अंदर आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है। काफी बच्चे सीधा कंटेंट लिखने लग पड़ते हैं और कहते हैं सर हमारे मार्क्स प्रेजेंटेशन के काटे हैं, वो प्रेजेंटेशन क्या थी कि आपने जो चारों पॉइंट्स थे इन्हें सीक्वेंस के अंदर नहीं करा, आपको इंट्रोडक्शन करना है, फ्लो चार्ट्स करना है, फिर आपको कंटेंट लिखना है और लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखना है। तो अब बच्चा मुझसे पूछते हैं सर फ्लो चार्ट समझ में आ गए, फ्लो चार्ट से जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें हेडिंग लिखेंगे और ऐसे करके दिखा देंगे, जैसे ये हेडिंग लिखी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे एक पार्ट, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, इंट्रोडक्शन क्या लिखे, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन लाइन होती है ना, ये 95% एग्जामिनर्स नहीं पढ़ते। सर फिर लिखनी क्या है, मैं कहता हूँ कि यार मैं हमेशा कहता हूँ एग्जामिनर कौन है, एग्जामिनर है नाराजीजा, उसे आप 50 चीजें दिखा दो तो वो क्या उसका मन नहीं भरेगा, वो कहेगा जो एक चीज प्रेजेंट नहीं है ना यार मुझे तो वही पर्टिकुलर चीज चाहिए थी। तो एग्जामिनर भी क्या है नाराजीजा, उसे क्या 4 चीज चाहिए, इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, कंटेंट और लास्ट कंक्लूजन। अगर आप एक भी चीज नहीं लिखते हो तो उस बंदे को खटकेगा, वो तो कमियां निकालने के लिए बैठा है, वो तो कमी कहीं ना कहीं निकाल देगा कि भैया इसने तो इंट्रोडक्शन लिखा ही नहीं है। लेकिन जब आप पहले ही क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट्स लिख देते हो ना, एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि भैया बच्चा होशियार है,
इसके मार्क्स काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसे क्योंकि एग्जामिनर के मन में रहते हैं मुझे मेरी नौकरी भी पसंद ही है, मुझे अगर कहीं आगे जाके कहीं इसके मार्क्स मैंने गलती से गलत ज्यादा नंबर काटे हो तो सामने से ऑर्डर भी तो आ जाएंगे मेरे खिलाफ, तो वो एग्जामिनर बहुत ही लीनियंट चेकिंग करता है। तो आपको भी इसी ऐसी जो स्ट्रेटेजी है इन्हें अपनाना है। तो मैंने जैसे बता दिया कि आंसर किस तरीके से लिखना है, तो यही आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। सर अब आपके बच्चों को मन में एक और सवाल आता है कि सर हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक, तो हर टॉपिक की अलग अलग इंट्रोडक्टरी लाइन याद करना, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, किसी हालत में ये गलती करनी नहीं है। एक चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी लाइन, जैसे मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भले जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए इंट्रोडक्टरी लाइन एक ही लिखनी है, जो मैंने उस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी, दैट इज अनीसेस वेल नाइदर लाइफ इन इट लैंड वाटर फॉरेस्ट माई नोर इन इट्स वॉलर बट इन हेल्दी एंड वेल्दी मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन। आपको ये लाइन लिखनी लिखनी है, मैं हर एक नोट्स के अंदर स्टार्टिंग वाली जो लाइन है ना ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, जैसे इस चैप्टर के अंदर ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, जो क्वेश्चन आ जाए ये लिख के आनी है। फिर आप कहोगे सर हमने आपसे पढ़ा था नंबर नहीं है, तो मैंने कहा है कि मेरे स्ट्रेटेजीज भी फॉलो करनी है अच्छे से, मैं कह रहा हूँ चारों पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है, अगर चारों पॉइंट में से एक भी मिस किया ना तो बॉस नंबर कट सकते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनी है क्या चीज, तो हम कहते हैं मनी एनीथिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर पैसा क्या है, पैसा वो हर एक वो चीज है जिसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। सर समझ में नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये वर्ड है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें समझ में नहीं है, मैं कहता हूँ कि देखो मुझे पर्टिकुलर बंदे से कोई कमोडिटी चाहिए, जैसे एग्जांपल ले लेते मुझे बुक्स चाहिए, तो मुझे उससे बुक्स चाहिए तो मैं उससे क्या दूंगा, उसे पैसे तो दूंगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे एक्सचेंज कर पाएंगे सर्विसेज, जो भी कमोडिटी है वो क्या हो पाएगी एक्सचेंज हो पाएगी, वो उस बंदे से मेरे पास हो रही है तो वो क्या हो रही है कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, और उस कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए मैंने उसे क्या दिया, मैंने उसे मनी तो दिया, तो मनी क्या एक्ट कर रही है, एक मीडियम ही तो है, एक जरिया ही तो है। अब इस काफी बार रहने जो वर्ड्स है ना इनके ना संधि विच्छेद कर दिया करो, मैं सबसे बढ़िया वर्ड मानता हूँ संधि विच्छेद, जैसे मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी कंसेप्ट को संधि विच्छेद करके बताया था, मतलब ह्यूमन को अलग समझाए कैपिटल को अलग समझाए फॉर्मेशन को अलग समझाए, अलग अलग जब इनके मतलब समझ में आते हैं जब आप इकट्ठा कर देते हो ना इन सबको तो आपको और अच्छे से आ जाता है। मीडियम का क्या मतलब होता है जरिया, एक्सचेंज का क्या होता है जैसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ चीज, तो फिर इसके अंदर क्या है, तो मनी ने क्या किया, मैंने उस बंदे से बुक्स ली और उससे मैंने क्या दिए पैसे दिए, तो मनी ने किस तरीके से एक्ट किया, एक मीडियम ही तो बना वो उस बुक का एक्सचेंज होने का, तो मनी क्या है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके फॉर एग्जांपल रुपीस इन इंडिया, जैसे रुपीस है इंडिया के अंदर आप पैसा देके कोई भी चीज ले सकते हो, एंड डॉलर्स इन यूएसए, और जो डॉलर्स हैं यूएसए के अंदर तो रुपीस और डॉलर क्या है, और भी जो भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होती है वो सब एक क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं डेफिनेटली कहता हूँ इस गारंटी देता हूँ इस पर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी हमें जानना जरूरी है कि पांच मिनट आप लगा लोगे तो मेरे सबसे कुछ ज्यादा वेस्टेज हो गया नहीं आपका। तो क्या इसके अंदर तो मतलब मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी की, मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई थी। ठीक है तो सबसे पहले क्या होता था, तो अगर आप सोचो यार आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, कुछ कार्टून भी देखे होंगे, मुझे भी दो तीन कार्टून कैरेक्टर्स ऐसे याद आ जाते हैं जिसके अंदर वो कुछ वो सोने के सिक्के कलेक्ट करते थे और वो मतलब लास्ट के अंदर ऐसे घूमते फिरते, फिर वो सोने की कितनी हमने वो पॉइंट्स इकट्ठा करे, ऐसे कुछ एक कार्टून था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और बहुत सारे सीरियल्स या हमने मूवीज देखी हुई है ऐसी, तो इनके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं बात करूं बहुत पहले राजा महाराजों के टाइम पे क्या रुपीज चलते थे, नहीं सर रुपीज कहाँ चलते थे, डॉलर चलते थे, सर डॉलर मतलब क्या बात करो, ये सब ये सारी चीजें तो चलती नहीं थी, मैंने पूछा फिर चलता क्या था, सर वो तो सोने के सिक्के और सिल्वर के सोने चांदी के जो सिक्के थे उन्हें यूज करते थे, तो मैंने कहा हाँ मनी यहीं से इवॉल्व हुआ था। किस तरीके से, तो कहते हैं इनिशियली कॉइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी, इनिशियली जो कॉइंस थे किसके सोने के और चांदी के, उन कॉइंस को यूज किया गया किस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। Then comes the alloy metal. उसके बाद क्या है अलॉय मेटल के, जो आजकल आप जो सिक्के यूज करते हो ना जो चांदी टाइप से आपको लगते हैं तो वो क्या है अलॉय मेटल के तो है। Then comes the alloy metal which were used for coinage, जिन्हें coins के जब coins का जमाना आ गया जब सिक्कों के अंदर डील होने लग पड़ी, तो coinage किस चीज को रेफर कर रहे हैं सिक्कों के पीरियड को, along with the paper money, उसके बाद paper money आ गई। अब क्या है सर, अब तो ये तो आपने बता दिया कि हाँ सर पहले सोने चांदी के सिक्के फिर सिर्फ अलॉय मेटल के जो आजकल के जो सिक्के आते हैं वो आए, फिर हमारे पेपर नोट्स आ गए। सर अब तो अब किस चीज का जमाना है, सर अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप काफी बच्चे कहेंगे सर आई डोंट हैव दिस पेपर मनी, सर आई यूज डेबिट कार्ड, तो सर डेबिट कार्ड भी कौन सी मनी है, प्लास्टिक मनी जो अभी इसके बाद आई है। ओके
नाउ इज द टाइम ऑफ प्लास्टिक मनी। आज अगर हम देखा जाए टुडे, आज ज्यादातर लोग जो है अब किस चीज का यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का तो यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट पे तो जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे वो तो हर किसी के अंदर फ्लिपकार्ट का, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हर से पेमेंट करते होंगे, तो वो ये नाउ इज द टाइम ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो क्या है, एक प्लास्टिक मनी का ही पार्ट है। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे, सर वी डोंट यूज प्लास्टिक मनी, सर आई हैव अ फोन पे इन माय फोन, तो सर मैं जब भी पेमेंट करता हूँ मैं फोन पे से कर देता हूँ। मैंने कहा ये भी है इसके अंदर, दैट इज ई मनी। ई मनी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आपने उस बंदे को कोई कमोडिटी दी तो आपने अपने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मनी है आपने उस बंदे को दी तो नहीं, आपने क्या किया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करी ना उस बंदे के अकाउंट के अंदर पैसे, तो वो क्या है ई मनी है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी दैट रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पेटीएम, भारत पे, फोन पे, जैसे हमने गुप्ता का डायलॉग ना बहुत सारे हैं, पे 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 पे, बिल्कुल वैसे ही तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो सर ये बात तो हमने कर ली मनी की, मनी का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब सर मेन बात आती है कि अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो मुझे लगता है कि सीबीएसई देखो तो अचानक से देता है टॉपिक, सीबीएसई को पता है क्या बच्चा थोड़ा ढीला हो चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड, सीबीएसई अचानक से वो टॉपिक दे देता है, तो मुझे लगता है यार ये वैसे एक टॉपिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है बार्डर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या था, क्या था बार्डर सिस्टम सिस्टम, क्यों आप लोगों को पता तो है बार्डर सिस्टम, पर मेरा भी फर्ज पड़ता है कि आपको अच्छे से वापस एक बार रिकॉल करा दूं कि बार्डर सिस्टम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बार्डर सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, बार्डर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, बार्डर सिस्टम क्या है, बार्डर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में, जैसे ये दोनों जने कर रहे हैं, ये उसे क्या दे रहा है एक मीट का पीस दे रहा है और उससे वापस क्या ले रहा है एक फिश ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है गुड्स के बदले में गुड्स ले रहा है। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सी टू सी इकोनॉमी, इसे सी टू सी इकोनॉमी भी कहा जाता है, ये बहुत बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि डैश सिस्टम ऑफ, ओके डैश इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्डर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो वो कौन सी इकोनॉमी है, सी टू सी इकोनॉमी। सर सी टू सी इकोनॉमी क्या होती है, मैं कहता हूँ कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी, आप मेरे साथ साथ बोला करो कि कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी, तो ये क्या है दैट इज कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या होता है वही सेम चीज है बार्टर सिस्टम की, कॉमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं किसके बदले में, कॉमोडिटी के बदले में। Therefore, ये बहुत बार आता है बच्चे समझते हैं कि इसका आंसर बहुत है, देखो काफी चीजें सीबीएसई ऐसे देता है ना कि पता है यार इसका आंसर है, आंसर वो ही है, बहुत नॉर्मल सा आंसर होता है, पर सीबीएसई इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन देता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, तो देयरफॉर सी टू सी इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना डैश इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो क्या लिखना है इसके अंदर सी टू सी इकोनॉमी दैट इज कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। तो सर बार्टर सिस्टम तो आपने बता दिया, अब बता दीजिए इसके ड्रॉबैक्स की, सर ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि ड्रॉबैक्स इस साल देखो मन के अंदर से आता है पर मैं गारंटी भी नहीं देता ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, पर सीबीएसई को मुझे लगता है यार वो अचानक से टॉपिक देते हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़े और हर एक टॉपिक को अच्छे से करें। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो सर सिस्टम चल तो रहा था बार्टर सिस्टम, क्या दिक्कत आएगी कि हमें इस सिस्टम को मॉनेटरी सिस्टम के अंदर बदलना पड़ा, मॉनेटरी सिस्टम कौन सा, जो भी पैसों के अंदर डील करते हैं वही मॉनेटरी सिस्टम है, तो सर क्या जरूरत पड़ी कि हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आगे, तो मैं कहता हूँ सुनो इट इज बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, ये इन ड्रॉबैक्स की वजह से है, साथ साथ ये अकेले इन ड्रॉबैक्स की वजह से हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ा नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है, मल्टीप्लीकेसिटी ऑफ बोन्स, हमारी ज्यादा जरूरतें हो रही थी, अब जैसे मेरी जरूरतें ज्यादा है ठीक है और मेरे पास जो गुड्स है सर्विसेज है वो भी बहुत ज्यादा है, पर मुझे उसके लिए ढूंढने में तो बहुत सारे लोग पड़ते हैं, मुझे अलग अलग चीजें ढूंढनी पड़ती है क्योंकि डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वोट चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वोट, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वोट आपको वैसे बता देता हूँ दोनों की आपसी सहमति चाहिए, मुझे ये गुड उसके गुड्स के बदले में एक्सचेंज करना है तो उसे भी आपसी सहमति होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं तेरे साथ गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो मल्टीप्लीकेसिटी ऑफ वोट, मेरी जरूरतें बढ़ रही थी पर सामने वालों की जरूरतें क्या होता है ना बढ़ रही हूँ, ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज, और मुझे एक्सचेंज करना है पर मैं वापस कहाँ कहाँ इसे ढूंढने जाऊँ, भैया मेरी भेड़ों के बदले में कुछ ले रहे हो क्या, हाँ मुझे सोफा सेट चाहिए, हाँ ले जाओ मेरी भेड़े ले जाओ, कितनी अच्छा इतनी चाहिए, नहीं हो पा रहा यार बार्टर सिस्टम, आपको नहीं चाहिए क्या भेड़े, अच्छा ठीक है आपको, अच्छा आपको गाय चाहिए, आपको आपको कुत्ते चाहिए, हमारे पास नहीं है, उस बंदे के पास भले लाखों भेड़े हों उसे जो कमोडिटी चाहिए, सामने वाला कहीं नहीं ना कि मुझे भेड़े चाहिए, वो कह रहे हैं भैया मुझे तो वो कह देगा भैया मुझे ताजमहल चाहिए, हमारे पास थोड़ी है ताजमहल।
ओके और ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज हमारी एक तरीके से जरूरत ही बढ़ रही है। इन सारी वजह से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उसे किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कौन सा, अभी भी बताया था, ऐसे खाली मत बैठे रहने की सर सर ही बताते रहेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे ना तो मुझे गारंटी देता हूँ तुम लोगों को वापस ये चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम एक तो तुम्हारे मन के अंदर दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाएगा ना, तुम वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पहला ड्रॉबैक है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट। तो सर लैक तो है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट का, पर सर ये है क्या चाहिए डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट। मैंने कहा चलो इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे दो भाई हैं, ओके। दो भाई का नाम क्या है, एक भाई का नाम है शाहरुख, इनके हाथ थोड़े ऐसे बना देते हैं, ए हमारे शाहरुख भाई हैं, और दूसरी साइड हमारे सलमान भाई, ये थोड़े सीरियस टाइप, नहीं चलो इन्हें भी आसपास कर देते हैं, ओके। और सलमान भाई भी खुश है एकदम, ये हमारे सलमान भाई की बेल्ट, और सलमान भाई भी यहाँ पे कर रहे हैं होड़ होड़ दबंग 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 दबंग, और हमारे शाहरुख भाई ए पूरे। तो अभी क्या है, चलो मान लेते हैं हमारे दो भाई हैं, एक का नाम क्या है शाहरुख और दूसरे का नाम क्या है सलमान। ये दो भाई हैं हमारे शाहरुख और सलमान, ठीक है। मेरे मन में तो था कि मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर लूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं अभी नया नया चैनल है नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे शाहरुख भाई और सलमान भाई है, ठीक है। तो अभी शाहरुख भाई क्या कहते हैं कि देख, अब मान लेते हैं हम 2019 की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब शाहरुख भाई कहते हैं देख मेरे पास है ना टाइगर 3 की ना स्क्रिप्ट आई हुई है, मेरे पास क्या आई हुई है टाइगर 3 की स्क्रिप्ट आई हुई है, और डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं टाइगर 3 करूँ। सलमान भाई क्या कहते हैं, अच्छा यार मेरे पास भी है ना पठान की स्क्रिप्ट आई हुई है, मेरे पास कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट आई हुई है पठान की स्क्रिप्ट आई हुई है। तो अगर देखा जाए, अगर अभी देखें कि शाहरुख भाई के पास क्या है टाइगर 3 मूवी है, सलमान भाई के पास क्या है पठान मूवी है, लेकिन इन दोनों का ना अपने रोल ज्यादा जम नहीं रहे, कहते यार हमसे ज्यादा ना इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो शाहरुख भाई क्या कहते हैं, यार मेरे पास अगर पठान होती ना, मेरे पास अगर पठान मूवी होती ना तो मैं 1000 करोड़ पार कर लेता। टाइगर भाई भी क्या, हमारे सलमान भाई भी कहते हैं यार मेरे पास अगर टाइगर 3 होती ना तो मैं भी 2000 करोड़ पार कर लेता। तो हम इन दोनों की अगर देखा जाए, जो शाहरुख भाई को चाहिए क्या वो सलमान भाई के पास है, और जो सलमान भाई को चाहिए क्या वो शाहरुख भाई के पास है। तो अगर देखा जाए, अगर ऐसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ये दोनों कर लेते हैं कि शाहरुख भाई क्या कहते हैं कि देख भाई तू टाइगर 3 ले ले मुझे पठान दे दे, सलमान भाई भी क्या करेंगे कि चल ठीक है भाई तू मुझे, मैं तुझे पठान दे देता हूँ तू मुझे टाइगर 3 दे दे। तो देखा जाए तो इन दोनों के अंदर इन दोनों की नीड सेटिस्फाई होगी, और इन दोनों ने एक दूसरे की कॉमोडिटी की, यहाँ पे कॉमोडिटी क्या थी इनकी फिल्म, इन्होंने एक दूसरे की कॉमोडिटी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली। तो यही तो होता है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट, यानी कि आपकी चीज जो आपके पास है जो किसी और को चाहिए, और उसके पास ऐसी कोई चीज है जो आपको चाहिए, और जब आप उन सारी चीजों को एक्सचेंज कर लेते हो उसे ही तो कहा जाता है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट। अब अच्छे से मैं इसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखो डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट इंप्लाइज दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर दो इंडिविजुअल जैसे हमारे शाहरुख और सलमान, टू इंडिविजुअल आर इन नीड टू एक्सचेंज सच गुड्स, ऐसी जरूरत के अंदर है कि वो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, सॉरी देयर गुड्स इन विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर ये शाहरुख भाई और सलमान भाई क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की जरूरत है ना, कि वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे ये वाली फिल्म चाहिए, तो वही तो है सेटिस्फाई करने के लिए क्या अपनी नीड्स को। ओके इट इज डिफिकल्ट, अब ये जो है एक डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलो हमें शाहरुख भाई और सलमान भाई तो दोस्त है, लेकिन अगर मान लो वहां पर शाहरुख भाई की जगह अगर विवेक ओबरॉय होते, शाहरुख भाई की जगह कौन होते अगर विवेक ओबरॉय होते, तो क्या सलमान भाई इतनी फ्रीली बात कर पाते, नहीं कर पाते, तो वो इतना नहीं हो पाता कि नहीं भाई अपने सलमान भाई कहते नहीं नहीं आई नो मुझसे विवेक ओबरॉय से बात नहीं होगी, विवेक ओबरॉय भी कहते नहीं नहीं अपनों से बात नहीं होगी ज्यादा। तो क्या हुआ, तो ये क्या एक डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता टू फाइंड अ पर्सन हु कैन सेटिस्फाई योर नीड, जो आपकी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे शाहरुख भाई की नीड सेटिस्फाई हुई थी पठान के आने से, एंड इन टर्न यू कैन सेटिस्फाई हिज नीड, और शाहरुख भाई ने सलमान भाई की नीड कैसे सेटिस्फाई की थी उन्हें टाइगर 3 की स्क्रिप्ट दे के। Hence, money as a medium of exchange has solved this problem, पर money एक medium of exchange के तौर के ऊपर इन्होंने ये जो problem थी double confidence of want की वो solve कर दी। सर कैसे solve कर दी double confidence of want की situation? तो मैं कहता हूँ कि देखो अब मान लेते हैं कि ये example हमारे पास, ये हमारे पास अभी SR के भाई नहीं है, ये विवेक ओबरॉय भाई है। तो अब बीच के अंदर हम लेते हैं एक एजेंट को, ठीक है। बीच के अंदर एजेंट का नाम क्या है सीरत, बीच के अंदर एजेंट का नाम क्या है सीरत है, ओके, और सलमान भाई के बॉडीगार्ड। तो विवेक ओबरॉय क्या कहता है कि देख भाई मेरे पास है ना अभी करेक्ट नाउ क्या नाम लेते हैं टाइगर 3 की स्क्रिप्ट है, मैं इसे ना
2 करोड़ रुपए के अंदर बेचूंगा, कितने के अंदर, 2 करोड़ रुपए में बेच दूंगा। वो कहता ठीक है भाई। अब सेरा क्या, सेरा मान लेते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर है, चलो फिल्म प्रोड्यूसर सेरा को नहीं रहते, कोई बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं न्यू रूम से। ओके ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि विवेक ओब्रॉय है हमारे पास, एक है हमारे पास विवेक भाई, ये थोड़े एक बार कान पकड़ लेते हैं, और ये हमारे पास सलमान भाई, ये हमारे पास सलमान भाई, ये भी अभी भी क्या कर रहे हैं, हुड हुड दबा। ओके ये हमारे पास सलमान भाई है, ये हमारे पास विवेक भाई है, विवेक भाई स्पेल तो कर लो। हाँ ठीक है, हमारे दोनों भाई हैं, एक का नाम क्या है विवेक और दूसरे का नाम क्या है सल्लू भाई, दूसरे का नाम क्या है सल्लू भाई। तब ये दोनों है ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर एक मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे करण जौहर है, हमारे करण जौहर सर है इन दोनों के बीच में। ओके ओके हमारे कौन से हैं ये, करण जौहर सर है ठीक है। अब इन दोनों, अब करण जौहर सर की इनसे भी बनती है, इनसे भी बनती है, दोनों से बनती है ठीक है। तो क्या हुआ कि करण जौहर सर जो है ना विवेक ओबरे के पास गए, कहते कि भैया तेरे पास क्या है। वो कहते हैं देखो भाई मेरे पास है ना अभी पठान, मेरे पास अभी है ना टाइगर 3 की स्क्रिप्ट आई है। वो कहता है अच्छा ये फिल्म है ना तू मुझे बेच दे, तू है ना ये फिल्म किसे बेच दे, मुझे बेच दे ठीक है भाई। वो कहता है कितने रुपए लेगा, तो वो कहता भाई मैं 20 करोड़ रुपए लूंगा। कितने करोड़ रुपए लूंगा भाई, मैं 20 करोड़ रुपए लूंगा स्क्रिप्ट बेचने के। वो चलो कहता ठीक है ठीक है। अब करण जौहर के पास 20 करोड़ की फिल्म, उसने 20 करोड़ दिए विवेक ओबरे को, और किसकी स्क्रिप्ट ले ली, टाइगर 3 की स्क्रिप्ट ले ली। अब टाइगर आए हमारे पास, हमारे सलमान भाई आए, वो कहता अच्छा भाई आपको क्या चाहिए यार, मेरे पास है ना अभी क्या नाम लेते हैं ना, मुझे है ना पठान की स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा कहता भाई मेरे पास आई भी है, कितने की, 20 करोड़ की आई है। लो भाई इसने 20 करोड़ रुपए दिए, और 20 करोड़ देने के बाद ये किसके पास आ गई, सलमान भाई के पास आ गई। तो देखा जाए मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या इन्हें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, सलमान भाई और विवेक भाई को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि बीच के अंदर एक एजेंट आ गया। तो वही तो है डबल कॉन्सेप्ट, मनी नहीं क्या करते हैं, मनी बीच के अंदर काफी बार और ऐसे एजेंट्स ले आती है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं आपको कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको या तो डबल कॉन्सेप्ट बाटर सिस्टम के अंदर क्या करोगे, आप उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और इन टर्न आप उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। लेकिन जब मनी आ गई तो आप क्या करोगे, आपके पास पर्टिकुलरली कोई कमोडिटी, आप दुकानदार को बेचोगे, बेचोगे जिस भी बंदे को चाहिए उस बंदे को बेचोगे, उससे पैसा लोगे, और उस पैसे से अपनी कमोडिटी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे परचेज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, से मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ कि अमाउंट। अब जैसे इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है ना यहाँ पे 3 बंदे हैं ठीक है, वापस 3 बंदे, एक है वापस एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे अब हमारे पास 3 स्टार्स हैं। ओके अब हमारे पास 3 स्टार हैं, ये हमारे पास हमारे शाहरुख भाई, सलमान भाई, और एक हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान, आई लव यार दिस वाज लाइक, चलो आया हमारे आमिर खान सनी, ये हमारे सनी देओल बाजी हैं, ये हमारे सनी बाजी हैं जिनके अभी गदर 3 आने वाली है सनी बाजी। तो सनी बाजी क्या कहते हैं, अब जैसे हमारे 3 दोस्त हैं, अब हमारे सलमान, हमारे शाहरुख भाई जो है उन्होंने किसका धंधा करा हुआ है, हमारे शाहरुख भाई के पास क्या है एप्पल्स हैं, हमारे शाहरुख भाई के पास क्या है एप्पल्स हैं, हमारे सनी भाजी हमारे देसी बंदे हैं इनके पास अभी ऑरेंजेस हैं। वो कहते हैं भाई अभी पंजाब से ताज़ा ताज़ा ऑरेंजेस हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास, और हमारे पास सनी भाजी के पास, हमारे सनी भाजी के पास ऑरेंजेस हैं, हमारे सलमान भाई भारी पर्सनैलिटी वाटरमेलन लेके चल रहे हैं, क्या इनके पास वाटरमेलन है ठीक है। अब ये तीनों चले लेके अपने अपने चीजें, शाहरुख भाई के पास क्या एप्पल्स हैं, सलमान भाई के पास वाटरमेलन है, और हमारे सनी भाजी के पास ऑरेंजेस हैं। तब क्या बात हुई कि आप ये देखिए, अब इसके अंदर जैसे आप सलमान भाई कहते कि देख, एक शाहरुख भाई से कि देख मैं अगर है ना इसमें क्या कहा हुआ है कि एक वाटरमेलन के बदले में ना 3 एप्पल्स लूंगा, क्या कहते हैं देखो सलमान भाई शाहरुख भाई से क्या कह रहे हैं, देख भाई मेरे पास 1 तरबूज है ना, मैं तुझे 1 तरबूज दूंगा, तू उसके बदले में मुझे 3 सेब दे, क्या कमोडिटी इक्वल भी नहीं सर, एक तो मतलब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर तरबूज मतलब थोड़ा भारी आइटम है और उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं 3 सेब ले रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, तो अगर आप देख लो थोड़ा इम्बेलेंस है, नहीं लग रहा कि सर ये बात थोड़ी सेट नहीं हुई, मतलब एक कमोडिटी के बदले में तो एक ही गुड़ आ जाना चाहिए ना, ये बात थोड़ी सेट नहीं हुई,
वही बात है ना, तो इसके अंदर क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू होती क्या चीज है कि आपको पता नहीं चल रहा कि आप कितने अमाउंट देनी चाहिए आप लोगों को, आपके पास यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं, आप सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडियाज कर रहे हो। जैसे उन्होंने क्या देखा, वाटरमेलन की कीमत थी, वो कहते चल यार तू मुझे ना 3 सेब दे दे इसके बदले में, एक वाटरमेलन के बदले में 3 सेब। वहीं पे फिर सनीबाजी आ गए, इन्हें पता है इनकी गदर थ्री चलनी थी, इन्होंने क्या कहा भाई तेरे पास संतरे, एक काम कर एक वाटरमेलन के बदले में 4 संतरे दे दे। ठीक है, उसने 4 संतरे दे दिए। लेकिन अगर देखा जाए अब ये जो बात है ये थोड़ी हजम नहीं है यार, जब वो एप्पल्स लेने गया तब उन्होंने कितने रुपए लिए, तो कितने एप्पल्स लिए 3, जब वो ऑरेंजेस लेने गए तब उन्होंने 4 ऑरेंजेस लिए, क्यों भाई? क्या ये मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर गलती नहीं है? वही सेम बात है, इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर, जिस वजह से जो वैल्यू थी गुड्स और सर्विसेज की वो मेजर नहीं कर पाए। ओके, हेंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेटिस्फेक्शन वर लैकिंग, हेंस क्वालिटी और क्वांटिटी सेटिस्फेक्शन दोनों ही लैक कर रहे थे, मनी एज प्रोवाइडर्स कॉमन सिस्टम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड हेंस अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। काफी बच्चे पूछते हैं सर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैसे होगा, मैंने कहा जब अमाउंट आने लग पड़ी, जब हमें मनी के टर्म्स में पता चल गया कि जैसे एप्पल्स, हम इनकी बात करें कि एक एप्पल जैसे अगर मान लेते हैं 20 रुपीज का, एक एप्पल कितने का 20 रुपीज का है, तो अब हम ये जो अमाउंट है ये जितने भी अगर देखा जाए, ये जब हम इसे मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम इनके रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इनके बारे में अकाउंट्स बना सकते हैं, जैसे हमने कितने सेब्स खरीदे, हमने कितने एप्पल्स खरीदे, हमने कितने बनानास खरीदे, हमने कितने वाटरमेलन्स खरीदे, हम इन सब की क्या कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हम इन सब का रिकॉर्ड रख सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में अगर कहूँ हम इन सब का एक तरीके से कहें कि अकाउंट्स बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही तो प्रोवाइड किया इन लोगों ने हमें। ओके, आई होप आप लोगों को मेजर ऑफ वैल्यू समझ आ चुका होगा। आ जाते हैं हम अपने थर्ड के ऊपर, तीसरे हमारे पास लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सर डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है, मैं कहता हूँ डेफर्ड पेमेंट्स आर दोस पेमेंट्स व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी पेमेंट होती है जो कि फ्यूचर के अंदर करी जाती है। ओके, लैक डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोस पेमेंट्स व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। सो डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोस पेमेंट्स व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देयर वाज नो डेफर्ड पेमेंट्स, कोई भी डेफर्ड पेमेंट्स नहीं थी। सर क्यों नहीं होती थी डेफर्ड पेमेंट, मैंने कहा यार इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन थे, एक एक करके रीजन एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या रीजन थे। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डेफर्ड पेमेंट क्यों, क्योंकि सबसे पहला रीजन ही क्या था, मोस्टली हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन्स वर ऑनर्ड, कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ से ले, वो ऐसे ही होता था बार्टर सिस्टम के अंदर। अगर मैं एक हाथ से तुझे कमोडिटी दे रहा हूँ तो दूसरे हाथ से मुझे वो तू कमोडिटी दे। अभी वो क्या बात होगी ना, अब वो आपने एक बंदे से कमोडिटी तो ले ली, जब देने के बाद यार भाई 3 महीने बाद आना, 3 महीने बाद में दूंगा, तो ऐसी ट्रांजेक्शन आपको लगता है बार्टर सिस्टम के अंदर अंदर एक्सेप्ट करी जाती होगी, नहीं करी जाती। ओके, ऑल्सो द फॉलोइंग प्रॉब्लम वर फेस, और अगर काफी लोग ऐसे दिलदार हो भी जाते जो निकल भी जाते, मतलब ऐसे मान भी जाते कि चल ठीक है कर देना, तो उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। मेजरली दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या थी, द बोरो मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स एंड कमोडिटी ऑफ द सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, यानी कि आपने वापस देना, आपने उससे कह दिया जैसे हमने सलमान भाई ने कहा था एक तरबूज ले जा तू, तो एक काम कर जब तेरे सेब अच्छे से बन जाए ना, तब है ना जो एकदम मीठे से हो जाए, तब एक काम करना वो सेब मुझे तब भेज देना। अब सारू भाई थोड़े खराब, अब सारू भाई का ऐसा होगा कि यार अब सेब है ना थोड़े खराब हो गए किसी कारण पर, अब सारू भाई के लिए क्या प्रॉब्लम आ गई, अब यहाँ पे गौरव की जगह हम सारू भाई देखें, द सारू भाई मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम क्वालिटी, कि जिस टाइम अगर देखा जाए अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिस तरीके की सेब की क्वालिटी थी आज उस तरीके की सेब की क्वालिटी नहीं थी, या तो वो खराब होगी ज्यादा, तो पहले पर्टिकुलरली अगर देखा जाएगा अगर गुड्स की क्वालिटी डाउन होगी, पर बात कौन से गुड्स की हुई थी, जो उस टाइम डील हुई थी ना उन्हीं टाइप के गुड्स की, सर गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई थी। अगर उनका जो लेवल है जो स्तर है वो नीचे कर जाए, अगर आपको कोई कहे कि भैया इस चीज के बदले में ना मैं तुझे 2-3 महीने बाद है ना बेस्ट क्वालिटी की चीज देता हूँ, वो आपको दे दे घटिया क्वालिटी की, क्या आप लोग उसके अगेंस्ट कहोगे नहीं यार तूने क्या बात करी थी, तूने क्या कर दिया? तो बोरोवर क्या होता है ऐसे केसेस के अंदर, काफी बार ऐसा होता है कि बोरोवर ऐसी गुड्स और सर्विसेज अरेंज ही नहीं कर पाता, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज अरेंज ही नहीं कर पाता। दूसरा मेजर होता है तो कमोडिटी माइट गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। बात हुई थी सलमान भाई और शाहरुख भाई की, भाई इनकी बात मान लेते हैं कि अभी गर्मियों के अंदर हुई थी, गर्मियों के अंदर सेबों की ज्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन अब जैसे सर्दियों के अंदर रीपेमेंट की बारी है, शाहरुख भाई कहते हैं कि नहीं भाई देख अब सेबों के दाम बढ़ चुके हैं, अब अपने देख अब सेब है ना अब अच्छे खासे हैं, मेरे सेबों की बहुत पॉपुलैरिटी है, अब मैं ना थोड़े कम मतलब अब थोड़े महंगे बेचूंगा। तो कमोडिटी जिसके अंदर डील हो रही है ना वो माइट गेन और लूज इट्स वैल्यू, या तो ज्यादा हो जाए कम हो जाए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर मान लेते हैं केस अगर कम हो जाती है तो अब सलमान भाई क्या कहेंगे, यार देख अभी सेब मैं लूंगा तो अब इनकी क्वालिटी एक्चुअल में देखा जाए तो कम ही है ना, मैंने भले 1 किलो सेब की बात करी थी लेकिन आज 1 किलो सेब है ना
ज्यादा मतलब इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे 2 किलो सेब चाहिए उसके बदले में। तो कमोडिटी जो है वो क्या कर सकती है, अपनी वैल्यू गेन भी कर सकती है तो लूज भी कर सकती है। देयरफॉर मनी बीइंग स्टेबल एंड ड्यूरेबल हैव सॉल्वड दिस प्रॉब्लम। पर अब मनी देखा जाए, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अब अगर देखा जाए बीआर का कंसेप्ट आपको पता है, चेक का कंसेप्ट आपको पता है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से आपको ऑफर ही तो कर रही है। अगला हमारे पास आता है लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कहते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, स्टोर ऑफ वैल्यू एक जगह एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करना, और इन दोनों के अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी कमी थी। सर क्या कमी थी? सर देखो एक चीज पहले बताओ, जो जनरली देखा जाए बार्टर सिस्टम के अंदर कौन से गुड्स की बात करते हैं, पेरिसेबल गुड्स। सर पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम जनरली उनकी बात करी जाती है, ठीक है। अब देखा जाए ऐसे गुड्स को स्टोर करना क्या इजी है या थोड़ा डिफिकल्ट है? सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ऐसे गुड्स को स्टोर करने के लिए एक टेम्परेचर भी तो उनके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा, ताकि गुड्स स्पॉइल ना हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो उससे क्या होगी, कॉस्ट सर बढ़ेगी इसके अंदर से, कॉस्ट बढ़ेगी ना इसके अंदर। बच्चा भी सोचता है हाँ यार कॉस्ट तो बढ़ेगी इसके अंदर, तो कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हमारी वेयर हाउसिंग है। और ऑल्सो अगर आपको अपने जो कॉमोडिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो क्या उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है कि हाँ सर हमें बड़े बड़े ट्रक्स को मतलब लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जब ट्रक्स के अंदर हमें लोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जगह पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से हमें अनलोड करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, मैंने ये तो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर। ओके सेविंग्स आर पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ स्टोरेज, कि अगर बंदे को सेविंग्स करनी है तो क्या करता, अपने फल और सब्जियों को सेव करके रखता। ओके स्टोरेज, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिसेबल गुड्स। ज्यादातर गुड्स क्या थे, पेरिसेबल गुड्स थे, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, विच आर विच फेस द प्रॉब्लम, किस किस की कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बहुत ज्यादा थी, स्पॉइलेज हो जाता था, प्रॉब्लम ऑफ क्विक सेल, प्रॉब्लम क्या थी क्विक सेल की, क्योंकि अगर वो स्पॉइल होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उन्हें एक और डर होता है कि यार हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को है ना सही टाइम के ऊपर मतलब भेज देना, ताकि वो और ज्यादा स्पॉइल ना हो। सो ऑल्सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर कॉमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये भी बहुत ज्यादा, मैंने कहा था ना कि एक ट्रक से अंदर लेके जाना, फिर दूसरी जगह लेके जाना, तब तक अगर रास्ते के अंदर ऐसे वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, तो आपके गुड्स भी क्या हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। Therefore, money as a being a stable and durable medium solve the above problem. इस सारी जो मैंने सोल्यूशन बताया ना मनी के, ये सारी चीजें है ना आपको फंक्शन ऑफ मनी के अंदर ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। फंक्शन ऑफ मनी की भी वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं वैसे बता देता हूँ मनी क्या कहना चाहती है एक्चुअल के अंदर, पता है फंक्शन ऑफ मनी और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है। हम ड्रॉबैक्स के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या कमियां थी, फंक्शन के अंदर जो उन कमियों के हल है ना उन्हीं को भी डिस्कस किया गया है। ओके तो मनी क्या है, मनी बीइंग स्टेबल। अब मनी स्टेबल है, अब एक चीज बताओ क्या पैसे को स्टोर करने में ज्यादा जरूरत है? नहीं सर कोई पे, मतलब पैसे तो इट्स लाइक मतलब वेरी इजी टू ट्रांसफर। आपको पैसे ले मतलब अगर आप देखा जाए या तो आप डिजिटल कैश रख सकते हो, उसके अंदर तो कुछ है नहीं। अगर आपको कैश भी रखना है आप जनरली क्या कर सकते हो, अपनी जेब के आपके वॉलेट के अंदर रख सकते हो। आपको कुछ ज्यादा टफ एंड रफ मतलब रफ एंड टफ कंडीशन तो नहीं होगी कि आपको एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर बहुत भारी एक्सपेंसिस करने पड़ेंगे। नहीं, पैसे को स्टोर करना आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर स्टोर कर सकते हो, या फिर शिवाजी का बोझ देखिए तो अपनी घरों की छतों के जो टाइलों के नीचे भी सेव कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी जगह है यार मतलब, पर पैसा देखा जाए क्या पैसा इजी टू स्टोर है, पैसा इजी टू स्टोर है, यस सर है। क्या इजी टू ट्रांसफर है? जी हाँ सर, इजी टू ट्रांसफर भी है, इजी टू स्टोर भी है। यानी कि पैसा देखा जाए गुड बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा बहुत ही ज्यादा इजी टू स्टोर है, इजी टू ट्रांसफर है। ये हम फंक्शन ऑफ मनी के अंदर और अच्छे से समझेंगे। ओके देयरफॉर ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर, देयरफॉर ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या कहनी था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थे। क्योंकि देखा जाए ऑर्गेनाइज मार्केट क्यों नहीं हो गया, क्योंकि जनरली बंदे क्या थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रीट करते थे, और उनका ऐसे नहीं होता था एक पर्टिकुलर ट्रेडर के पास नहीं जाते थे, क्योंकि ट्रेडर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे या ना करे कुछ नहीं पता। नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनके मन में एक डर होता था कि यार अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करी, कि अगर हम लोगों ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करी और जो सामने वाला बंदा है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक चीज से हमारी तो प्रोडक्शन जो हुई वो वेस्ट हुई ना। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी इन सबको किसने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया, क्यों, मनी ने सारी चीजों का पॉसिबल बना दिया। मनी की वजह से आप स्पेशलाइजेशन भी, हमारे पास ऑर्गेनाइज मार्केट भी, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी आप होती है। सो दिस वर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या फॉर्म्स है। सर पैसा तो एक ही तरीके का आता है, मैंने कहा नहीं, मनी की भी बहुत ही अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती है जिन्हें हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म है फिएट मनी, जो आप लोग जैसे कहते हो ना पैसे की, तो एक ही तरह की फॉर्म होती है, पैसा तो यही है। मैं कहता हूँ जो जिस पैसे को आप जानते हो ना वो है फिएट मनी। सर फिएट मनी क्या होता है, तो मैं कहता हूँ फिएट मनी रेफर्स टू द मनी व्हिच इज इशूड ऑन द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पैसा आपके पास है उसे किसने इशू किया है, सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये पैसा किसके ऑर्डर्स के ऊपर इशू किया गया है, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ही आरबीआई आता है। तो आरबीआई ने नोट इशू किए किसके ऑर्डर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर। तो जो भी आपके पास अभी 500, 2000 जो भी नोट है आपके पास, जो भी करेंसी है जिन्हें आप कह रहे हो कि सर ये तो पैसा है, वो कौन सा है, वो फिएट मनी है, और ये किस चीज के ऊपर इशू किया जाता है, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, इट इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, फेट मनी के अंदर। पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो उस देश के लोग हैं, जैसे अगर हम इंडिया के अंदर रुपीज की बात करें तो पीपल ऑफ द कंट्री हम लोग लीगली बाउंडेड है किस चीज के लिए, कि हमें वो जो अमाउंट है उसे एक्सेप्ट करना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर के ऊपर। क्यों करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया मनी के तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमारे लिए पैसा यही है, हमारे लिए पैसा यही है, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए। कि आप अगर अब जैसे बहुत सारे नकली नोट भी आते हैं, आप अगर उन्हें देख के कोई चीज एक्सचेंज करवाने जाओ तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया पैसे के तौर पे। जो आपके पास जो नोट्स हैं, जिनपे ऐसे जो नोट्स हैं जिनपे गांधी जी की फोटो बनी होती है वो जितने भी ऐसे नोट्स हैं या कॉइन्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के ऊपर इशू किए जाते हैं, कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इशू करती है, दोनों पॉइंट्स है। या आगे जाके मैंने हु सप्लाइज मनी है उसके अंदर अच्छे से जानेंगे इस टॉपिक को, एक थोड़ी क्यूरियोसिटी आप लोगों के मन में भी पैदा हो जाए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको ऐसे फैक्ट बता ही देता हूँ कि आपको लगता होगा सिर्फ आरबीआई ही इशू करता है, जबकि आरबीआई एक भी तरीके का कॉइन इशू नहीं करता। आरबीआई सिर्फ पेपर नोट इशू करता है, और सारे पेपर नोट भी नहीं, 1 रुपी को छोड़ के बाकी सारे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, वो सारे कॉइन्स और जितने भी 1 रुपी के नोट हैं वो सारे के सारे कॉइन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो बाकी जितने भी पेपर नोट्स हैं आपके 5, 10, 20 5 रुपए 20 के और 50 के 100 के 200 के 500 के और जो क्या नाम 2000 के, सारे के सारे नोट्स कौन इशू करता है, ये सारे के सारे नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसे रिकॉग्नाइज किया है मनी के तौर पे, फेट मनी को। तभी अगर मैं उन नकली पैसों की बात करूँ ना, जो ऐसे मतलब ऐसे अगर मान लेते कोई डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है हमें किसी नोट की, तो वो लोग अगर आप उसे किसी को ऑफर करते, जैसे वो जो होते हैं बच्चों के खिलौने वाले जो नोट टाइप होते हैं एकदम सिमिलर नोट टाइप लिखते हैं, आप किसी दुकानदार को ऑफर करते हो तो क्या वो दुकानदार उसे ले लेता है, नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्यों, उसे पता है कि भाई साहब ये जो आप पैसे दे रहे हो ना मुझे, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, सरकार के अकॉर्डिंग मनी नहीं है। तो फेट मनी कौन सी मनी है जिसे सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है मनी के तौर पे। ओके, अगले हमारे टाइप ऑफ मनी है उसे हम कहते हैं फिडिशियरी मनी। ये जनरली कहूं तो ये आपके BR100 चेक है, ये आपके क्या है, BR100 चेक, आपके बिल रिसीवेबल्स और आपके चेक्स हैं। अब एक चीज बताओ, आप किसी को बिल मतलब आप किसी को चेक इशू कर रहे हो, ऐसे कर दोगे क्या किसी को, आपके आपको एक ट्रस्ट होगा ना सामने वाले पे, या फिर बीआर के केस के अंदर ट्रस्ट होता है। अगर आप किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हो, बंदा कह रहे हैं भैया आप मुझसे ना बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा लो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, लेकिन जो जो है हमारे आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के ना उनके लिए भी बता देता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। जो कॉमर्स वाले 10-20 सेकंड आगे कर लेना, जो आर्ट्स वाले वो सुनते रहो। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसे जो एक पार्टी है, जैसे मैं हूँ, मैंने को मेरे पास मेरा गुड्स है बेचने का काम, ठीक है, और मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहते हैं कि सर हमें गुड्स बेच दीजिए, ये मैं कहता हूँ ठीक है आप गुड्स दे दीजिए, हमने उन्हें गुड्स दे दिए, फिर कहते हैं सर पेमेंट है ना मैं आपको बाद में दे दूंगा, उधार पे कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है उधार पे कर लो, पर उधार लेने से पहले ना मैं आपके ऊपर मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पता क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये बंदा मुझे विद इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ये बंदा जो उस गुड्स की अमाउंट है वो मुझे पे करेगा विद इंटरेस्ट। ओके, क्या कहते हैं उसके अंदर कि जो पर्टिकुलर बंदा है जिसने वो सारे गुड्स लिए हैं मुझसे, जो कह रहा है मैं बाद में पैसे दूंगा, तो उसके अंदर क्या होता है टाइम लिमिट होती है। करेक्ट, जैसे कि कोई बंदा आया कहता है कि सर गुड्स लेके जाने मुझे 500 करोड़ के। मैंने कहा ठीक है 500 करोड़ के हमने गुड्स दे दिए उस बंदे को। वो कह रहा भैया 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है लिख के दे मुझे कि तू 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करेगा। फिर मैं उसे लोगों के पास, मैं उसे जो भी वकील होते हैं उनके पास लेके जाता हूँ, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये हो जाते हैं कि 500 करोड़ या फिर जो भी ऐसी अमाउंट होती है छोटी मोटी तो होती नहीं है। तो वो क्या करते एक अमाउंट होती है ना, एक नोटिस या सेक्शन करा देते कि इस बंदे को मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट है ना ये मुझे देगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है साइन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रस्ट की वजह से तो हुआ कि जो दो पार्टीज के अंदर जब ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये मुझे दे देगा और इसके साइन करवा लेते हैं हम लोग। तो ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर जो मनी इशू की जाती है उस मनी को हम क्या कहते हैं, फिडिशियरी मनी। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, मनी विच इज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके बीच के अंदर, पेयर और पेई, पेयर जो है हमारा पेयर
और दूसरा पे, इन दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है उसके बेसिस के ऊपर ऊपर चेक इशू, चेक और जो हमारी फिडिशरी बनी है उसे इशू किया जाता है बिटवीन द पेयर एंड द पे. फॉर एग्जांपल आपके चेक्स हो गए, बीआर हो गए एक्सेट्रा. और इनके दूसरा नाम भी इन्हें नॉन लीगल टेंडर कहा जाता है. सर इन्हें नॉन लीगल टेंडर क्यों कहा जाता है? है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया मनी के तौर के ऊपर. ये तो आप दोनों के ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर है. आप मान रहे हो कि हाँ वो मुझे पैसे दे देगा, आपने उसे बीआर लिख के दे दिया कि हाँ भाई तू मेरे पैसे 3 महीने में दे देगा, तूने लिख के भी दे दिया. ये तो एडिशनल सिक्योरिटी, आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे, वो आपको पैसे दे देगा. पर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो सरकार इसे मनी नहीं कंसीडर करती. वो कहता आप दोनों की पर्सनल बात है, वो आप दोनों का निपटना. अगर इन केस कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो आप दोनों ही कोर्ट में जाओगे, मैं कहीं पे टांग अड़ाने नहीं आऊंगा. मेरा अलग ही केस है और आपका अलग ही केस है. तो ये होती है फिडिशरी मनी. नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी के ऊपर जाते हैं, दैट इज फुल बॉडीड मनी. इसके ऊपर पता है ये अभी तक जितने भी फॉर्म्स बने हैं ना इनके ऊपर पर्टिकुलरली देखा जाए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे. मैक्सिमम वन मार्कर्स भी नहीं आते. ये तो बस टॉपिक है तो आपको करवा रहा हूं बस. ओके, फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी होती है? इसके ऊपर भले एक क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर वालों को तो ऊपर तो मुझे लगता नहीं आएगा कभी क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे बहुत ही ज्यादा जनरल सी हो जाती है चीजें, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर ही होता है और ये सबको पता होता है. और सीबीएसई देखो नंबर देती है, सीबीएसई ऐसा नहीं कि नंबर नहीं देती, पर सीबीएसई ऐसा खुला हाथ ही नहीं रखती नंबरों के लिए. सीबीएसई थोड़े बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएगी आएगी. तो फुल बॉडीड मनी के लिए इसका एग्जांपल बहुत पॉपुलर है यार, इसका एग्जांपल है ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. देखो क्या होती है, कौन सी होती है फुल मनी, फुल बॉडीड मनी. तो हम कहते हैं रेफर टू द मनी इन विच द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, जिसके अंदर जो कमोडिटी वैल्यू है मनी की वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी, सर बात समझ में नहीं है. मैं कहता हूँ कि इस कंसेप्ट के साथ है ना मैं आपको अगली टाइप ऑफ मनी भी साथ साथ समझाता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप की हैं. क्रेडिट मनी, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको थोड़े बहुत रिलेटेबल लगेगी इन दोनों की डेफिनेशन. ठीक है, मैं समझाऊंगा दोनों को. इट रेफर टू द मनी इन विच द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मैं साथ साथ बोलो, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, मैं इन दोनों को अच्छे से समझाता हूँ ये दोनों कहना क्या चाहते हैं. फुल बॉडीड मनी क्या कहते हैं कि जो कमोडिटी वैल्यू है ना, क्या है कमोडिटी वैल्यू, जो है ना कमोडिटी वैल्यू वो किसके बराबर है, मॉनेटरी वैल्यू के. किसके बराबर है, मॉनेटरी वैल्यू के. और जो हमारा हरा क्रेडिट मनी है वो क्या कहते हैं कि जो कमोडिटी वैल्यू है ना वो क्या है, लेस है. कमोडिटी वैल्यू क्या है, लेस है किससे, मॉनेटरी वैल्यू से. अब बताता हूँ क्या केस है ये. देखो आप आपके पास अगर 500 किसी का मान लो 2000 का नोट है, एक चीज बताओ यार 2000 के नोट को बनने के अंदर क्या 2000 रुपए लगते हैं? नहीं लगते सर, ये तो कुछ मतलब मैक्सिमम 1 या 2 रुपए के अंदर प्रिंट हो जाता होगा 2000 रुपए का नोट, मैंने कहा सही है. तो इस तरीके की मनी जिनकी कमोडिटी वैल्यू यानी कि अगर आप 2000 रुपए का जो नोट है ना उसे वैसे ही कहीं पे ऐसे बेचने जाते हो कि अगर सिर्फ 2000 रुपए का नोट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि एक्चुअल में उसकी मॉनेटरी वैल्यू 2000 है, लेकिन आप अगर देखा जाए कि 2000 रुपए को बनाने के अंदर कितना खर्चा लगा, उस खर्चे को क्या कहा जाता है, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. क्या कहा जाता है, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. 2000 रुपए का नोट को बनाने के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 रुपए लगते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2000 रुपए है. तो ये कौन सा केस हुआ, ये है क्रेडिट मनी, जिसके अंदर जो आपकी जो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी है ना वो किससे कम होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी. इसके अंदर अगर एग्जांपल भी देखो, फॉर एग्जांपल आपके 100 रुपए का नोट हो गया, 500 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, 20 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का नोट हो गया, जितने भी नोट्स हैं और काफी सारे सिक्के, जैसे 10 रुपए का सिक्का हो गया, 20 रुपए का सिक्का हो गया 5 रुपए का सिक्का हो गया, ये इनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है ना उनकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट बनाने की, वो कम होती है किससे, जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है. अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, मैंने कहा नहीं होते ऐसे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जहां पे हमारे पास इंडिया के हिस्ट्री के अंदर देखा जाए, एक बार हमारे पास ऐसा एक कॉइन था जिसके अंदर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी ना, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी, वो दोनों सेम थी. यानी कि एक्चुअल के अंदर उसे उसकी मॉनेटरी वैल्यू को यूज करोगे तब भी आप उतनी कमोडिटी ले सकते हो, और उसे बनाने के अंदर भी उतना ही खर्चा आता था. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 रुपए की कॉइन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल और रुपी कॉइन कहाँ पे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो 1 रुपए का जो सिक्का था ना वो किससे बनता था, सिल्वर से बनता था. किससे बनता था गाइस, सिल्वर से बनता था, वो मेड आउट ऑफ सिल्वर. और उस टाइम देखा जाए
एक सिक्के के अंदर जितना मतलब सिल्वर से बना जाता था, जितना भी उसके अंदर सिल्वर यूज किया जाता था, कॉमोडिटी वैल्यू जो थी ना उस टाइम सिल्वर की, जो उस कॉइन के अंदर यूज करी जाती है, वो भी 1 रुपए के बराबर थी। यानी कि उस केस के अंदर क्या हुआ, जो कॉमोडिटी वैल्यू थी वो मॉनेटरी वैल्यू के इक्वल थी, वाज मेड आउट ऑफ सिल्वर एंड द कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ सिल्वर वाज आल्सो इक्वल टू 1, वो भी 1 रुपए थी। कॉमोडिटी वैल्यू भी क्या थी, 1 रुपए थी, मॉनेटरी वैल्यू भी क्या थी, 1 रुपए थी। तो ऐसी मनी को हम क्या कहते हैं, फुल बॉडेड मनी। ओके तो हमने चारों पार्ट्स, मेन जो मेन तो ये चार पार्ट्स थे, आइए इन चारों पार्ट्स को एक बार फटाफट से 10 सेकंड के अंदर रिवाइज करते हैं। फेट मनी जैसे ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर इशू किया जाता है, जैसे आपके 500 2000 जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पेपर कॉइन्स हैं, सारे सिक्के विक्के सब कुछ मिला लो, जिन्हें भी आप एक्सचेंज के तौर पर यूज करते हो फेट मनी, जिन्हें क्या आपके किस बेसिस पे इशू किया जाता है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के बेसिस पे इशू किया जाता है। दूसरा फुल बॉडेड मनी, ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे, इसके एग्जांपल चेक बी आर। तीसरा फुल बॉडेड मनी, जिसके अंदर कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद लास्ट आता है क्रेडिट मनी, जिसके अंदर कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किससे, मॉनेटरी मनी से। तो ये तो हो गए हमारे मेन जो चार पॉइंट थे, लेकिन इसके अलावा भी, इसके अलावा अगर देखा जाए एक एक मार्क्स के लिए भी दो टाइप्स के जो मनी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बैंक मनी, ऐसे एग्जाम्स के अंदर हाई पावर्ड मनी बहुत बार आता है बैंक के, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाई पावर्ड मनी इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर पहले तो एक एक मार्क्स के अंदर डायरेक्ट लिखने वाले क्वेश्चन आते थे तो उसके अंदर ये बहुत बार आता था, क्योंकि बच्चे इसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और दूसरा हमारे पास बैंक मनी, बैंक मनी इज ऑल्सो वेरी ओके, जो बैंक मनी है, तो बैंक मनी तो हम आगे वैसे अगले चैप्टर जो हमारा बैंकिंग है उसके अंदर हम इसे डिटेल में समझेंगे, अभी भी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर समझा देता हूँ। मनी क्रिएटेड बाय द बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज नॉन एज बैंक मनी, इसे हम अगले वीडियो के अंदर ही देखेंगे जिसमें हम बैंकिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ गया, मैं समझाने में बैठा हूँ, बहुत बड़ा कंसेप्ट है और हम इसे बैंकिंग चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी हमारी क्रेडिट क्रिएशन की, क्योंकि बैंकिंग को भी हम 3 पार्ट के अंदर करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन की वीडियो होगी, आप चाहे तो देख भी सकते हो, जो मनी और बैंकिंग एक साथ ही अपलोड होंगे, तो वहां पर जाके आप समझ सकते हो बैंक मनी है क्या चीज, कि बैंक मनी बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसे मैंने बैंकिंग चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। ओके तो अभी तक ये मान लो कि बैंक के आपको फैक्ट बता देता हूँ, जो सिर्फ अभी मनी चैप्टर करना चाहते हैं, आपको पता है बैंक के अंदर जितना पैसा डालते हो ना, मान लो आपने बैंक में 1000 रुपये डाल दिए, बैंक के पास अगर इतनी पावर है कि वो 1000 का पता नहीं कितना गुना करके दूसरे लोगों को दे सकता है, सिर्फ पैसे तो 1000 ही डाला। इसकी ये कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का, किसका कंसेप्ट है, ये क्रेडिट क्रिएशन का, जो कि कहता है कि जितना भी पैसा आप बैंक में डालते हो ना, बैंक उसका पता नहीं कितना गुना क्रिएट कर सकता है, उसका पता नहीं कितना गुना क्रिएट कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं क्रिएट के ऊपर, जिसे LRR कहते हैं। ये सब हम बैंकिंग चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को हम क्या कहते हैं, इट इज द सम ऑफ, ये तो याद ही करना पड़ेगा, ये 3 चीजों का सम होता है, क्या किन किन का सम होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, हमारे पास जो पैसा है, वर्ल्ड कैश विद कमर्शियल बैंक, जो पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है, यानी कि हमारे पास जो पैसा है वो तो हमारे पास है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा, काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना पैसा अपने पास ही रखते हैं, काफी लोग जो होते हैं उन्हें बैंक के अंदर डिपोजिट करवाते हैं, तो वर्ल्ड कैश विद कमर्शियल बैंक, जो लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर, और कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI, और कितना रिजर्व कमर्शियल बैंक ने बना के रखा है। सर रिजर्व, कैश रिजर्व क्या है, ये चीज मैं कहता हूँ कि आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहती है कि आप जितना भी पैसा किसी भी कमर्शियल बैंक में डिपोजिट कराते, कमर्शियल बैंक को उसका कुछ पार्ट, उसका थोड़ा सा पार्ट आरबीआई को पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है इन केस ऑफ अदर सिक्योरिटीज। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन हम बैंकिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, पर अभी तक इतना समझ लीजिए कि जो कमर्शियल बैंक है ना, उनके पास जितना भी पैसा होता है उसका कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज, यानी कि 4-5% उन्हें आरबीआई के पास अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो वो पैसा भी किसका, हमारे ही तो हुआ। यानी कि हाई पावर्ड मनी क्या है, हमारे ऊपर, हमारे जितने भी आम जनता के पास जो मनी है ना, उसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। तो ये तीनों केस हो गए। मान लो मेरे पास 50,000 मेरी जेब में पड़े हैं, 50,000 ही मेरे पास बैंक में पड़े हैं, ठीक है, तो 50,000 हमने हाई पावर्ड मनी में गिन लिए। मेरे जो 50,000 है, जिसे 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एक वो वाला पार्ट जो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेगा, और एक वो वाला पार्ट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास देगा। अगर दोनों का टोटल मिलो 50,000 है, तो देखा जाए मेरे पास अगर मेरी आज नेटवर्थ 1,00,000 रुपए थी, तो वो हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या होगा, 1,00,000 ही गिना जाएगा, जिसके अंदर मेरे पैसे भी गिने गए, मेरे बैंक वाले पैसे भी गिने गए, और बैंक वाले पैसे का जो पोर्शन आरबीआई के पास था वो भी गिना गया। इसलिए हम इसे क्या कहा जाता है, इसे मॉनेटरी मनी और बेस मनी ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। बेस मनी की आम जनता के पास कितना पैसा है, वही तो निकालने के लिए है ये, कि आम जनता कितना पैसा लगती है अपने पास, उसे हम क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी।
तो ये तो थे आपके मनी के बेसिकली चार मेन टाइप्स होते हैं और दो एडिशनल पॉइंट्स हैं। बैंक मनी तो मैंने इसलिए समझाया था कि आपके आपको बैंकिंग चैप्टर के अंदर इसे अच्छे से समझाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे हमें अच्छे से समझना है। दूसरा हाई पावर मनी, ये इंपॉर्टेंट है पर काफी सालों से आ नहीं रहा, पर फिर भी काफी होते हैं कि सीबीएसई रात को 8 बजे के बाद पेपर बना लेता है फिर गलती से इकोनॉमिक्स का, तो उस केस के अंदर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। काफी लोग समझ गए होंगे 8 बजे के बाद जब पेपर बनता है उसका क्या मतलब होता है। तो अगला हमारे पास फंक्शंस ऑफ मनी, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं मनी के अलग अलग पार्ट से। एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन और ये फंक्शन एक्चुअल में और कुछ ज्यादा है नहीं, ये आपके जो ड्रॉबैक्स है ना उनके छोटे भाई हैं, पर इसके अंदर हम उन कंसेप्ट को थोड़ा वाइडर पॉइंट से पढ़ेंगे। ओके, आपके अगर ड्रॉबैक्स आपने अच्छे से करे हुए हैं तब आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो जैसे आप प्राइमरी फंक्शन देख रहे हैं तो पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी किस तरीके से एक्ट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप पैसों के बदले में आप ये ले सकते हो। अब बार्टर सिस्टम को हम लोगों ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। कि अगर अभी तक ड्रॉबैक्स की वीडियो नहीं देखी प्लीज ड्रॉबैक्स की वीडियो अच्छे से देखो, क्यों हमने सारा मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है आप लोगों के प्रति कंटेंट पहुंचाने के अंदर। हर एक चैप्टर का पॉसिबल से पॉसिबल पार्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्लीज अच्छे से प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज मेरा नया नया चैनल उसे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। देखो अभी ये वीडियो आएगी, मेरा 210 सब्सक्राइबर है करेक्ट नाउ, अगर आपने 300 या थोड़ा आगे तक पहुंचा देते तो हम मतलब हमारा ऐसे कि बस हम जल्द से जल्द है ना थोड़ा सा बड़े चैनल की तरफ थोड़ा सा मतलब हम 1000 का मार्क बहुत जल्दी पूरा करें। अभी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हम उसके लिए, 300 तक भी करो तो तब भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट सेपरेट द एक्ट ऑफ परचेज एंड सेल। जैसे हमने पहले भी कहा मनी क्या कर देता है, एक्ट ऑफ परचेज एंड सेल को सेपरेट कर देता है। अगर आज मुझे कोई चीज चाहिए ये, तो फिर मुझे आज के दिन के अंदर मुझे ऐसा बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है कि मुझे भैया आज के दिन ही सेल करनी पड़ेगी, आज के दिन ही परचेज करनी पड़ेगी, मतलब आज के दिन ही मुझे मेरी ये वाली सीप जो है वो एक बंदे को देनी पड़ेगी और इसकी जो सीप है वो मुझे साथ ही साथ लेनी पड़ेगी। बार्टर सिस्टम के अंदर ये तो होता था, हमने कहा था ना चिंटू के पास एक चीज थी, वो किसे चाहिए थी, पिंटू को चाहिए थी, और पिंटू के पास जो चीज थी वो किसे चाहिए थी, चिंटू को चाहिए थी। तो इन दोनों की जो नीड थी वो एक साथ पूरी हुई, पर देखा जाए इसने एक ही वक्त पे परचेज किया एक ही वक्त पे सेल किया, दोनों चीजें एक साथ करी ना चिंटू और पिंटू ने। चिंटू ने क्या किया, उसकी चीज ली और अपनी चीज उसे दे दी, तो एक्ट ऑफ परचेज एंड एक्ट ऑफ सेल दोनों एक साथ हुए। लेकिन जब मनी आया तो मनी के अंदर क्या, आज मेरे पास कोई कमोडिटी है, मैंने उसे बेच के क्या लिए, पैसे ले लिए, अब मैंने परचेज करी है, लेकिन हाथों हाथ मेरे लिए सेल करना जरूरी नहीं है। मैं अपने हाथों हाथ जो भी मैं करूँ वो चीज अभी एक बार जरूरी नहीं, क्योंकि जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अपने एक्ट ऑफ परचेज एंड सेल को परफॉर्म कर लूंगा। इट्स दैट सिंपलेस्ट। In barter system, goods were exchanged for goods and required double consideration of want ही समझा रहे थे इतनी देर से मैं। Okay, but money act as a medium of exchange and separate the act of purchase and sale, वही सेम बात कही गई, इसलिए और उन्होंने ये जो method है purchase and sale का वो simple बना दिया। कि जैसे हमने drawbacks में भी देखा था, मैंने कहा था functions कुछ और नहीं है, actual के अंदर ये drawbacks ही हैं। एक्चुअल के अंदर क्या है, एक तरह के ड्रॉबैक्स ही हैं जिन्हें हम और डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। अब बात जाती है मेजर ऑफ वैल्यू, ये आपका दूसरा ड्रॉबैक था, वो ही सेम बात। मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे काफी बार यूनिट ऑफ अकाउंट पहले एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, बट यू नी बाई यूनिट ऑफ अकाउंट, फिर भी हम जान लेते हैं क्या यूनिट ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट क्यों इस बार मैं कह रहा हूँ, पिछले बारी फंक्शंस ऑफ मनी ऐड था सिलेबस के अंदर लेकिन सीबीएसई ने नहीं डाला, इस साल सीबीएसई डाल सकती है, क्योंकि काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई ने सोचा कि इस बार इतनी अवेयरनेस नहीं है बच्चों के अंदर, क्योंकि 2-3 सालों से पिछली बार से कट होता जा रहा था, सडनली सीबीएसई ने यह ऐड किया था, तो सीबीएसई को लगा होगा कि इस साल शायद हम ये टॉपिक ऐड ना करें क्योंकि बच्चों के लिए अनफेयर होगा। लेकिन इस साल सीबीएसई के पास पूरे चांसेस थे ऐसे क्वेश्चन को ऐड ऑन करने के लिए। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी का बड़े पार्ट है, अब इसके अंदर थोड़े बार्टर सिस्टम के पॉइंट डाल दोगे ना, मतलब बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स के थोड़े पॉइंट डाल दोगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। सारे के सारे ड्रॉबैक्स ही हैं, ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मनी आए मनी के फंक्शंस ही तो थे जिस वजह से ड्रॉबैक्स दूर हुए थे। तो ड्रॉबैक्स और फंक्शंस के अंदर ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ एक आध लाइन का ही फर्क है। तो अगर आप इसके अंदर ड्रॉबैक्स भी थोड़े थोड़े पॉइंट ऐड कर दो कुछ गलती नहीं है। यूनिट ऑफ अकाउंट किस चीज का रेफर करते हैं, रेफर टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी के टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, कि भैया मेरे पास 1 किलो चावल है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मेरे पास तो 1 किलो चावल है, मैं उसे कितने किलो सेब के अंदर बदलू,
या तो आधा सेब हो या 1 किलो सेब, पता नहीं क्या कितना हो, क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों इंडिविजुअल कमोडिटी है। चावल को बनाने के अंदर अलग मेहनत लगती है, सेबों को बनाने के अंदर अलग मेहनत लगती है, दोनों के प्राइस के अंदर भी वेरियंस है। अगर हम प्राइस का कंसेप्ट देखें, दोनों के अंदर प्राइस के अंदर भी वेरियंस है। तो अगर ये देखा जाए उस टाइम के ऊपर तो हम ये मेजर नहीं कर सकते। तो बंदा तो सोचेगा मैं 1 किलो चावल उगाने के अंदर कितनी मेहनत करता हूँ, ये 1 किलो सेब के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करता हूँ। 1 किलो सेब वाला भी सोचता है मैं 1 किलो सेब के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, इसे 1 किलो चावल के लिए 1 किलो सेब थोड़ी ना दूंगा मैं, आधा किलो दूंगा। दोनों के इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स है ना, तो इन दोनों के अंदर क्या होता था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो हर एक को अपनी कमोडिटी की, देखो जाए जब पेपर देके निकलते हो, जब सेट वाला पेपर होता है, सब कहते हैं मेरा सेट ज्यादा डिफिकल्ट आया था, मेरा सेट ज्यादा डिफिकल्ट आया था। सबको क्या होता है, अपना वाला सेट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, वैसे लोगों को क्या लगता है, हमारी कमोडिटी को बनाने में ज्यादा मेहनत लगी है, हमारी कमोडिटी ज्यादा वैल्यू डिजर्व करती है। ओके, तो ये था आपका मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम यूनिट ऑफ अकाउंट के अंदर जैसे मनी है, जिस वजह से हम पेमेंट्स की फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, जिस वजह से हम अच्छे से, अब देखा जाए तो हम मेजर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या वैल्यू है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सर ये तो सारे के सारे ड्रॉबैक्स ही आ गए। मैंने कहा वही तो बात है, वही तो बात है, मेन फंक्शन जो मनी के इंप्लाई किए गए, इस वजह से तो ये ड्रॉबैक्स हटे थे। तो डेफर्ड पेमेंट आपको पता है कि आर दोस पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में अंदर करी जाती है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, क्योंकि ज्यादातर कौन सी ट्रांजेक्शन्स को ऑनर किया जाता था, हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन, हाथों हाथ चीज बेची, हाथों हाथ चीज खरीदी। बट मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज मेड एज, क्योंकि मनी ने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करी, मनी क्या है, स्टेबल है, ड्यूरेबल है, और इट एक्सेप्टेड एवरीवेयर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने फेट मनी के कंसेप्ट में कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज किया किस तरीके से, पैसे के तौर पे, तो कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। फिर आ जाते हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर क्या कहते हैं, दैट मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी किस तरीके से एक्ट करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह, किस तरीके से, पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर फ्यूचर। आप सबको बता, आप सब लोग करते होंगे सेविंग्स, आपने तो आपके माँ बाप जरूर करते होंगे, सेविंग्स करते होंगे, क्यों, क्योंकि वो किस तरीके से, आप अगर अपने माँ बाप से पूछोगे पैसा क्यों बचा रहे हो, कह रहे हैं ना आने वाली, मतलब आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य में तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आप कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन है, तो जो हाँ पैसे है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को आने वाली फ्यूचर जनरेशन या जो भी है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व कर सकते हैं, ताकि उनकी वो पैसा हेल्प करे। इट इज कॉल्ड स्टोरेज वैल्यू। ओके, स्टोरेज ऑफ वैल्यू इसे हम क्या कहते हैं, स्टोर करना वैल्यू को। मनी हैज हैड मेड दिस प्रोसेस वेरी सिंपल एंड इजी। मनी का, मनी ने जो प्रोसेस है ना स्टोरेज का, ये बहुत ही ज्यादा इजी कर चुका है। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वजह से देखा जाए तो अब तो आपके जो मनी की स्टोरेज की वैल्यू, स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आप तो सीधा आपके मोबाइल के अंदर ही आपका डिजिटल कैश पड़ा रहता है, तो आपकी जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। देखा जाए मनी इजीली एक्सेप्टेड, क्यों, मनी इजीली एक्सेप्टेबल है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां मर्जी जाओ पैसा हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू डज नॉट कंप्राइज मच स्पेस विच सेव द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। आपको पैसा स्टोर करने के लिए क्या गोदामों की जरूरत, मतलब ब्लैक मनी नहीं, नॉर्मल शिवाजी का बहुत साली नहीं, लेकिन देखा जाए सॉरी जो भी आपके पास जो पैसा उसे सेव करने के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, नहीं सर हमें तो इतना कुछ चाहिए नहीं, कोई भी किसी भी दराज के अंदर, मतलब पैसा क्या इजी टू स्टोर है उसके अंदर ज्यादा हमें, अगर मैं उसे पैसे की जगह मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स के लिए तो आपको कहोगे सर हमें तो चाहिए, हमें तो वेयर हाउस चाहिए, हमें तो कोई ना कोई बड़ी बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे हम अपने गुड्स को प्रिजर्व करके रख सकें, वहाँ पे अच्छा एटमोसफेयर भी रखना पड़ेगा ताकि गुड्स जो है वो स्पॉइल ना हो। एंड वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट डेप्रिसिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो वैल्यू है मनी की वो डेप्रिसिएट नहीं होती, यानी कि अगर आज 500 रुपये रखोगे ना और 5 साल बाद भी निकालोगे तो वो 500 रुपये ही निकलेंगे, वो 500 से 5,000 या फिर 250 रुपये नहीं होंगे, यार 5 साल बाद की करेंसी अब 250 रुपये इसके नहीं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास टू ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगला क्या फंक्शन है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसके अंदर देखा जाए एक अच्छी लाइन आती है जो कि इसके ऊपर एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे, मतलब चांसेस अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है तो डेफिनेटली बन सकता है। मनी एक्ट एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एज इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है और इजी है मनी को ट्रांसफर करना, कोई ज्यादा हार्डशिप नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन फंक्शन ओनली डेट द कंसेप्ट जो था ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट मैं आपको एलपीजी के अंदर पढ़ाऊंगा, हमारे चैप्टर नंबर 3 है इंडियन इकोनॉमी का एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वैसे बता देता हूँ ग्लोबलाइजेशन होता क्या, इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग द
वर्ल्ड इकोनॉमी विद द विद सॉरी इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, यानी कि जोड़ना। यानी कि अगर देखा जाए, अगर पैसा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रांसफर हो रहा है, अब वो ट्रांसफर कब होगा, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, या वो हमसे क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी एक इकोनॉमी के अंदर ये तो होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी जो इकोनॉमी है जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो दूसरी इकोनॉमीज के साथ क्या हो रही है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब जुड़ रही है, कोलैबोरेट कर रही है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है ये ट्रांसफर ऑफ मनी की वजह से ही शुरू हो पाया, इस वजह से हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस चीज के साथ आज इंटीग्रेट करी, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ। सो आई थिंक दिस ऑल वर द फंक्शंस ऑफ मनी। अगले एक बार स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शंस भी देख लेते हैं, ये जरूर एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आते नहीं है, पर एक बार हमें फिर भी देखना हमारा फर्ज है, क्योंकि काफी टाइम से देखा जाए सीबीएसई नहीं दे रही है ना, और काफी मतलब सीबीएसई को भी पता है 6 नंबर का है ये पार्ट, क्योंकि 6 नंबर का ये जो पार्ट होता है जनरली किस तरीके से दिया जाता है, या तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन तो बनना है 3 और 4 नंबर का। तो क्या करती है सीबीएसई, या तो 3+3 के फॉर्म के अंदर दे देती है, 3+3 के फॉर्म यानी कि 3-3 नंबर के बड़े क्वेश्चन दे देती है। लेकिन अब एमसीक्यू क्वेश्चन तो अब किस तरीके से देती है सीबीएसई, 4+1+1 यानी कि 2 MCQ एक मनी से दे दिया, एक बैंकिंग से दे दिया, और 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना सर अभी कौन से चैप्टर से, मैं कहता हूँ दोनों चैप्टरों से। सर दोनों चैप्टरों से कैसे, मैं कहता हूँ कि ये जो मनी का है ये चॉइस वाला क्वेश्चन होता है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, चॉइस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपका ना चॉइस मिलेगी। अब जरूरी नहीं है, पर जनरली सीबीएसई करते करते जैसे आपका एग्जामिनर आपके टीचर्स कहते हैं ना कि जैसे आपको मतलब इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन होता है कि मैम आर्टिकल और रिपोर्ट के अंदर चॉइस आएगी, मैम क्या कहती है आपकी आएगी, आपको तो दोनों ही करने हैं, वैसे इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक चॉइस आती है 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अंदर, भले मैम को भी पता है कि भाई एक बच्चे को एक ही टॉपिक करवा दो, आर्टिकल अच्छे से करवा दो ताकि वो आर्टिकल अच्छे से लिख ले, रिपोर्ट करवा दो ताकि वो रिपोर्ट अच्छे से लिख ले। सिमिलरली देखा जाए जो 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलरली सीबीएसई हमेशा ये करती है 4 नंबर का क्वेश्चन है ये इसमें से मनी में से देती है, और 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से देती है, बैंकिंग में से देती है। बैंकिंग में से भी पता है कौन सा क्वेश्चन देती है, बैंकिंग में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेवरेबल है वो वही है जो हम बैंक मनी के बारे में बात कर रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने इसके ऊपर। अब स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, तो हम कहते हैं इट रेफर टू ऑल दोस फंक्शंस ऑफ मनी दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन द कंट्री फॉर एग्जांपल, यानी वो सारे फंक्शन जो फैसिलिटेट करते हैं जिस वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसे की वजह से तो हमारी इकोनॉमी चल रही है, मेजर ऑफ वैल्यू इनकी वजह से तो हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो यानी कि ऊपर वाले जितने भी फंक्शन हमने देखे वो कौन से फंक्शन थे, स्टैटिक फंक्शन थे। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि आपको दे दिया क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, स्टैटिक डायनेमिक बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर आए गए हैं, स्टैटिक फंक्शंस के अंदर। तो डायनेमिक फंक्शंस के अंदर क्या है, तो हम कहते हैं रेफर टू ऑल दोस फंक्शंस ऑफ मनी दैट कॉजेस मूवमेंट इन द इकोनॉमी, जिस वजह से मूवमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर। तो मूवमेंट क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, मैं कहता हूँ कि अगर एक स्टेबल इकोनॉमी है तो अचानक से मान लो कि इकोनॉमी राइज होगी, यानी कि क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। वही अगर देखा जाए एक स्टेबल इकोनॉमी है, इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे आ गई, यानी कि कौन सी स्टेट आ गई, डिफ्लेशन, महंगाई, मंदी, देखा जाए तो ये दोनों स्टेट्स है। तो इन दोनों ये क्या हुई, मूवमेंट ही तो हुई इकोनॉमी के अंदर, या अपवर्ड मूवमेंट हुई तो हमने उसे क्या कहा, इन्फ्लेशन, महंगाई, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई तो हमने उसे क्या कहा, मंदी या फिर डिफ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ताकि हम इन्फ्लेशन को सही कर सके, कौन करता है, ये आरबीआई करता है। बैंकिंग के अंदर अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इसके काफी सारे कंसेप्ट हैं, मनी और बैंकिंग अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, एक ही चैप्टर है। पर अगर देखा जाए क्योंकि अब जो बुक्स है, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे हिसाब से मसा किसी स्कूल के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी प्रेफर की जाती है, क्योंकि जनरली संदीप गर्ग या फिर टीआर जैन, जनरली टीआर जैन ही रेफर करी जाती है हर एक स्कूल के अंदर। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस एंड फॉर्म ऑफ मनी। हम अब बारी है इस चैप्टर को समाप्त करने की सप्लाई ऑफ मनी के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। सो कौन सा कलर लें, ये नहीं, ये तो सेम सेम आ जाएंगे, ये ले लेते हैं, ओके। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, तो सप्लाई ऑफ मनी सर स्टॉक कंसेप्ट, एक्चुअल में स्टॉक कंसेप्ट क्या है, फ्लो कंसेप्ट क्या है, इसे मैं ऑलरेडी समझा देता हूँ क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्चुअल के अंदर आपके नेशनल इनकम के अंदर आएगा, पर मैं आपको फ्ली बता देता हूँ क्या होता है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, स्टॉक कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है, दोनों कंसेप्ट को देखा जाए स्टॉक ऑफ फ्लो दोनों ही मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करे देखे जाते हैं, यानी कि जो चीज आप मेजर करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप कोई चीज मेजर कर रहे हो ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। और जो कंसेप्ट जिसके अंदर मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर
पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वन मार्कर है ये, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेरे नोट्स की पीडीएफ यहाँ पे आ चुकी होगी, स्टार्टिंग में आ चुकी होगी या एंड के अंदर आ चुकी होती है, वहां पे जाइए नोट्स को अच्छे से लीजिए वहां पे मेरे इंस्टाग्राम पर से और उन्हें डाउनलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास फोन में पड़े बना डिस्ट्रैक्शंस। ओके, इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि हम लोगों के पास, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, हमारे पास जितना भी पैसा, उन सब पैसों की जो सप्लाई है ना, उसे क्या कहा जाता है, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने क्या कहा था, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही तो मेजर किया गया है। अब सप्लाई ऑफ मनी कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करता क्या, और इसका जवाब जो है ना वो उसके डेफिनेशन के अंदर, मैंने डेफिनेशन के अंदर एक चीज कही थी क्या, कि किस चीज को रेफर करता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब ऐसा भी तो पैसा जो लोगों के पास नहीं है, जो सरकारों के पास है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास है, क्या हम लोगों के पास है क्या वो पैसा, नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी उन पैसों को इंक्लूड नहीं करती है। ओके, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के पास है सप्लाई ऑफ मनी के, तो हम लोगों के पैसों की बात करेंगे तो सरकार के पैसा हमें नहीं देखना, ना ही स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री। बैंकिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री के अंदर हमारे कमर्शियल बैंक भी आते हैं, सेंट्रल बैंक भी आते हैं। आगे इसके अंदर एक टॉपिक आएगा, हु सप्लाइज मनी, की मनी को सप्लाई कौन करता है, तो आंसर बताओ कौन है, यही है आपके सप्लायर फॉर मनी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो होता है हमारे सेंट्रल बैंक जो कि पूरी इंडिया के अंदर एक है और हर एक कंट्री के अंदर एक ही होता है। जैसे हमारे इंडिया का क्या, कौन सा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा देखा जाए वो है बाकी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं जो उनके अंडर आते हैं। सॉरी, दे आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज, सॉरी गाइस, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, क्योंकि दो तरीके से पैसा के, पैसा रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, या तो जो इकोनॉमी है, जो अगर मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल है, या तो उस इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना हो, क्या उनसे केस के अंदर जब मंदी चल रही हो, जो लोगों के पास पैसे ना, उस केस में बढ़ाना हो, वो भी ये बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट ही करती है। और अगर पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उसे घटाना हो, यानी कि स्टेबल पोजिशन के अंदर लाना हो, तब उस केस के अंदर भी यही काम करते हैं। तो ये लोग कौन है, सप्लायर ऑफ मनी और स्टॉक ऑफ मनी, वो नहीं पैसा कंसिडर करता जो सप्लायर ऑफ मनी के पास है। तो हम क्या इससे एक सारांश निकाल सकते हैं, सारांश यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, सप्लाई ऑफ मनी जो है रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोस हु डिमांड मनी, जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, जो लोग पैसों की डिमांड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, नॉट द वन हु सप्लाई मनी। सप्लायर ऑफ मनी कौन है, गवर्नमेंट, बैंक, हमारे बैंकिंग सिस्टम। और डिमांड कौन करता है, हम लोग की तो पैसा लेते हैं किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट के पर्पज से, तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, जिससे तो मनी सप्लाई ऊपर और नीचे होती है। ये सारे कंसेप्ट है ना, आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भले ही लग रहे होंगे, पर मेरे हिसाब से पूरा जो है ना कंप्लीट जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, इसका पूरा गो थ्रू करोगे ना, क्योंकि पता है ये मनी के अंदर ये ना कंसेप्ट छोड़ने का मजा है, क्योंकि आपके मन में क्यूरियोसिटी से आ जाती है यार, आप जानेंगे यार इसका मतलब क्या। और जब बैंकिंग के अंदर इसके साफ साफ से जॉब आपको पता चल जाते हैं दोनों यूनिट्स को एक साथ करने के बाद, तो आपको मजा आने लग पड़ता है चैप्टर के अंदर, अच्छा वो जो बात थी ना वो इस चीज से रिलेटेड थी, क्योंकि लॉ ऑफ जो है ना, ये क्या नाम रहते हैं, जो लॉ ऑफ जो कॉन्टिन्यूटी का जो लॉ होता है, जो मतलब एक चीज को दूसरे लॉ, दूसरी चीज से कनेक्ट करना, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, सॉरी, हाँ, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल होता है, क्योंकि आप मनी को पढ़ते हो, आपको फिर बैंकिंग के अंदर कुछ ऐसे टर्म समझ आते हैं, जिसे आप जब मनी को वापस पढ़ते हो ना, यानी कि दोनों चैप्टर्स की वीडियो को जब अच्छे से गो थ्रू करके खुद पढ़ने बैठोगे ना, तब आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएंगे और आपको मजा भी आएगा पढ़ने का, क्योंकि पढ़ाई का पढ़ाई तभी अच्छे से हो पाएगी जब पढ़ाई का क्या होगा, मजा आएगा, हमें पढ़ने में मजा आएगा, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अगला हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्या है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब हम जो मनी सप्लाई है उसे मेजर भी करना होता है हमें, अब इसके लिए देखा जाए चार अलग अलग मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, और इनमें से तीन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में से क्या है, M1 है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक MCQ आ जाता है काफी बारी, पर क्योंकि CBSE काफी सालों से डाल नहीं रहा, पहले जब ये चार होते थे ना तब बहुत अच्छे से समझाया जाता था, तब अच्छे से मतलब आते भी थे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अब आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, पर फिर मैं वो करवाऊंगा, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कवर्ड है। ओके, M1 मेजरमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट मनी सप्लाई जो M1 है, M1 यहां पे किस चीज को रेफर कर रहा है, मनी सप्लाई को। ओके, किस चीज को रेफर कर रहा है, मनी सप्लाई को।
मनी सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट कर दी जा सकती है, हम कहते हैं सी प्लस डी डी प्लस ओडी। मेरे साथ साथ बोलो एक क्यों सी है, सी प्लस डी डी प्लस ओडी, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जो हम लोगों के पास पैसे हैं हेल्ड बाय द कंट्री। इट इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन, जो भी आपको मतलब करेक्ट ना आपकी जेब के अंदर जो भी दस रुपए का नोट पड़ा हो, एक दो की चिल्लरे पड़ी हो, जो भी आपका जो भी पैसा अभी, वो सारा पैसा क्या है सी के अंदर आता है, डेट इज करेंसी के अंदर। फिर आता है डिमांड डिपोजिट, काफी थोड़े ऐसे होंगे कि सर हम तो अपने पास पैसा नहीं रखते, हमारा सारा पैसा बैंक के अंदर है, वो कहते हैं ये भी आएगा इसके अंदर। डी डी डिमांड डिपोजिट, डिमांड डिपोजिट ऑफ द पीपल विद अ कमर्शियल बैंक, दीज आर द चेकेबल डिपोजिट विच कैन बी विथड्रॉ एनी टाइम एंड ट्रांसफरेबल एनी टाइम ऑन डिमांड। ये जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अच्छा इस टॉपिक के अंदर नहीं, एक्चुअली मैं बैंकिंग के टॉपिक के अंदर, ओके बैंकिंग के टॉपिक के अंदर आपको पता चल जाएगा चेकेबल डिपॉजिट कौन से होते हैं। दो तरीके डिपॉजिट होते हैं, मैं जनरली कहूँ आपके यहाँ बैंक के अंदर दो तरीके से पैसा रखते हो, या तो अपने फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो जिन्हें आप एफडी कहते हो, एफडी करवा लेते हो, पर एक चीज एफडी के अंदर आप पैसा निकलवा सकते हो एफडी से नहीं सर, वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए तो उन्हें फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जो दूसरे अकाउंट होते हैं उनके अंदर आप जब मर्जी पैसे निकाल सकते हो, जब मर्जी पैसा डाल सकते हो, तो ऐसे डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट को कौन से डिपॉजिट कहा जाता है, चेकेबल डिपॉजिट। आप उनका चेक इशू कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्या वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, नहीं सर, उसके अंदर जब मर्जी पैसा डाला जब मर्जी पैसा निकाला, तो वो कौन से हैं, तो इनके अंदर डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं। अब काफी और होते हैं कि सर नो सर हम थोड़े थोड़े हम बैंकों के अंदर भरोसा नहीं करते सर, मेरा पैसा नवाड में पड़ा है सर, मेरा तो उस कंट्री के फॉरेन बैंक में पड़ा है। हम कहते हैं रुको बेटा सब्र करो, हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ज्यादा चिंता नहीं लेने का। वो कहते हैं अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नवाड। ओके वैसे ये थोड़ा मैंने एग्जैगरेट करके पॉइंट बोल दिया था, चलो छोड़ देना, वो पहले वाले एग्जांपल में याद रखना कि नवाड़ के अंदर हमारे पास है, ठीक है और नहीं। ओके डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, जो बंदे कह रहे हैं कि सर हम तो इंडिया के बैंक के अंदर भरोसा नहीं करते, हमारा तो बैंक का अकाउंट ही बाहर है, वी आर द हम थोड़ा यूएसए के बैंक के अंदर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, डिमांड डिपॉजिट जो भी है आरबीआई के पास आपके काम पे, फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास, भले दूसरे देश के प्रधानमंत्री के अंदर की जेब के अंदर भी पैसा रखो, वो भी हम गिन लेंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके अंदर भी जो पैसा लगा वो सारा का सारा मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। अब कुछ चीजें जो इंक्लूड नहीं करती वही मनी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर दो चीजें थी, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई, डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ये दोनों तो ऐसा लग रहा है निगलेक्टेड है, अभी तो ये निगलेक्टेड लग रहा है, पर अगला टॉपिक की हेडिंग देखते आपको समझ में आ जाएगा कि सर अब पता चल जाएगा कि इन दोनों का रोल क्या है, जिन्हें आप अभी तक निगलेक्टेड बोल रहे थे ना, अब who supplies money के अंदर उनका बहुत ही मेजर रोल है। ओके who supplies money सर, पैसा कौन सप्लाई करता है हमारे देश के अंदर, मैं कहता हूँ वही आपके सप्लायर्स ऑफ मनी। तीन ना कौन कौन से, बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री के अंदर हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, पहला नाम इसके अंदर गवर्नमेंट, दूसरा नाम बैंकिंग सिस्टम है, सेंट्रल बैंक, सभी बैंकों का राजा सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक और आरबीआई। दूसरा बैंक कौन से, कमर्शियल बैंक, जितने भी बाकी सारे बैंक बचते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। ओके मनी बेसिकली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, या तो सरकार करती है, कमर्शियल बैंक करती है या सेंट्रल बैंक करती है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो इशू करती है, क्या इशू करती है, ऑल द कॉइन्स अंडर द कॉइनेज एक्ट, याद रखना एक मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे कॉइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं, कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं मैंने फोन मनी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस कॉन्सेप्ट को, वापस बता देता हूँ मैं इसके अंदर हम कहाँ पे था। जो पैसे है ना आपके, जो भी आपके जो भी पैसे है, अगर आपके जितने भी कॉइन्स हैं, भले 5 रुपए का सिक्का हो, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो या 20 का भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो भी सिक्के हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, सॉरी वो जितने भी सिक्के हैं ये कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ये कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे के सारे कॉइंस को इशू करता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है क्या आर ऑल द कॉइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका आंसर क्या है, ट्रू। लेकिन अगर आ जाए आर ऑल द नोट्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपको कहे नहीं, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ एक तरीके का नोट बनाती है, जो कि कौन सा, 1 रुपए का नोट बनाती है, सिर्फ कौन सा नोट बनाती है, सिर्फ 1 रुपए का नोट बनाती है, बाकी सारे के सारे कॉइंस बनाते हैं, बाकी जितने भी आपके नोट्स हैं, 5 रुपए का नोट हो गया 10 रुपए का नोट हो गया, 20 का हो गया, 500 का हो गया, 2000 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, सारे के सारे नोट जो है ये सारे के सारे कौन बनाती है, आरबीआई करवाती है, सॉरी आरबीआई करवाती है सारे के सारे नोट्स इशू, कौन करवाती है, आरबीआई करवाती है, किसके गाइडेंस के अंदर, मतलब किसके ऑर्डर्स के ऊपर, फिएट मनी के अंदर कंसेप्ट में क्या था, किसके ऑर्डर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर।
ओके, 1 रुपी नोट मनी इज बेसिकली सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन, ऑन आरबीआई, हु सप्लाइज मनी अकॉर्डिंग टू द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सर आरबीआई पैसा किसके अकॉर्डिंग छापती है, आपको कैसे ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही है, लेकिन एक और सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एक देखा जाता है, वो कौन सा होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर देती है गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई नीड टू मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़, आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है क्या, एक मिनिमम रिजर्व कितने का, 200 करोड़ का, जिनमें से 115 करोड़ जो है ना, जिनमें से 200 करोड़ का है, 200 करोड़ में से कितने का है गाइस, 200 करोड़ का है। अब ये 200 करोड़ दो पार्ट्स के अंदर है, इनमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो क्या है आपके पास, गोल्ड, 115 करोड़ का क्या आपके पास, गोल्ड है, और जो बचे हुए 85 करोड़ है इनका क्या है आपके पास, फॉरेन सिक्योरिटी। अभी फॉरेन सिक्योरिटीज का क्या रोल होता है आप अच्छे से समझ पाओगे कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर जो आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है बीओपी अपडी, उसके अंदर अच्छे से समझ पाओगे फॉरेन सिक्योरिटीज। ये तो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, मनी और बैंकिंग के, देखो नेशनल इनकम का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज था, मनी और बैंकिंग के चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो आगे इस्तेमाल होगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत मजा आएगा मैक्रो पढ़ने के अंदर, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कनेक्टिविटी अच्छे से चलता है। तो वही सेम बात है, 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, आउट ऑफ विच 115 करोड़ वैल्यू मस्ट बी ऑफ गोल्ड, 115 करोड़ क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो सारा पॉइंट है ना, ये एक्चुअल के अंदर सारा का सारा है ना बैंकिंग चैप्टर का, अच्छे से बैंकिंग के अंदर आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई, हमने कहा सर मनी सप्लाई के अंदर सी प्लस डीडी प्लस ओडी आते हैं, मैंने कहा डीडी भी आते हैं, आप इसे एनडीडी भी कर सकते हो। अब तो एनडीडी क्या होता है सर, नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट सर मतलब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट, अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या सर, मैं कहता हूँ फर्क है इंटर बैंकिंग क्लेम्स का। सर एक चीज सर समझ में नहीं है, मैंने कहा देखो अब एक बैंक है, उसे बैंक को शॉर्टेज ऑफ कैश महसूस हुई, शॉर्टेज ऑफ कैश, अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टेज ऑफ कैश ऐसे नहीं कि बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, नहीं ऐसा बैंक ज्यादा ऐसी सिचुएशन नहीं आते, ऐसा केस हो गया कि बैंक ने किसी बड़ी पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा लोन पे दे दिया, ठीक है, अब बैंक के पास पैसे मांगने वाला भी एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो भी कहते हैं कि उसने किसी को बैंक के अंदर मान लो भी करेक्ट ना 1000 करोड़ पड़े थे, उसने किसी बंदे को दे दिया कि भैया आप 900 करोड़ दे दे, 100 करोड़ उसके पास पड़े, एक बंदा आ गया कहता है जी मैंने आपके पास है ना 10,000 करोड़ दिया था ना, मुझे अब इसे 500 करोड़ दे दो, बैंक तो आ गया ना घबराहट में कि भैया ये पैसे मांगने आ गए मेरे पास, तो इसे 100 करोड़ है, तो क्या करेगा अपने कोई भी पड़ोसी बैंक से क्या कहता है कि थोड़ा पैसा दे दो। ये चैप्टर नंबर 10 का कंसेप्ट आपके बिजनेस स्टडीज का, तो मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है हर जगह, अब आप इसके ऊपर है ना नोट कर लेना, ये जो मेरे नोट्स आएंगे ना जो आप प्रिंट आउट लोगे इसके ऊपर नोट कर लेना चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर हम कोइन मनी के बारे में जानेंगे, वो इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि देखो सॉरी आज थोड़ी तबियत गड़बड़ है थोड़ी, ओके, जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स का अगर हमने देखा, अब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की, जैसे उसने पैसे मांग लिए, फिर सीआरआर को भी मेंटेन करने के लिए, जो मैंने सीआरआर पहले बताया था ना कि थोड़ा सा अमाउंट जो है ना उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक को, तो वही अमाउंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने दे तो दिया इतना पैसा, अब आरबीआई ने तो क्या हुआ था कि भैया हमारा पैसा, आरबीआई को पैसे देने के लिए पैसा बचा नहीं, तो उसने क्या किया दूसरे बैंक से उधार ले लिया पैसा। तो ये क्या पैसा देखा जाए तो ये बैंक का लोगों का नहीं है, तो एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दिया है तो इस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। Only net demand deposits are included in money supply as it does not include interbanking claims, that is the claim of one bank against another, एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे लिए हैं, these are not a part of demand deposits of people, ये demand deposits of people के अंदर नहीं आता है। फिर M4, ये बस इतना याद रख लो आप कि M4 जो है वो least liquid measure है and M1 most liquid measure है। इसका basically क्या है कि M1 जो है ना, देखा जाए M1 मैं general format बता देता हूँ, M1 का आपको formula पता है सर, सी प्लस डी डी प्लस ओडी, मैंने कहा बिल्कुल सही यही फॉर्मुला होता है सी प्लस डी डी प्लस ओडी, लेकिन M4 और M2 का जो फॉर्मुला होता है इसके अंदर भी M1 पे यूज किया जाता है, M1 के बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगाई जाती है, M3 के अंदर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगाई जाती है M1 को ऐड करने के बाद, लेकिन M4 जो है ना उसके अंदर पता क्या है M3 को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो M4 का जनरली देखा जाए जो कंसेप्ट है वो जनरली बहुत बड़ा है, जनरली क्या है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए ये क्या है लीस्ट लिक्विड है कि इसे निकालने का तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है या फिर मोर मतलब इजीली नहीं निकलता, वही मोस्ट लिक्विड है यानी कि यहाँ पे लिक्विड का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा मतलब बहुत आसानी से निकल जाना। अब हम बहुत इजीली इस कंसेप्ट से सी प्लस डी डी प्लस ओडी से हमारे इकोनॉमी के मनी सप्लाई निकाल सकते हैं, लेकिन अगर M4 निकालना है उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा M1 निकालना पड़ेगा, M1 के बाद M3 निकालोगे, M3 निकालने के बाद आपको टोटल डिपॉजिट जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स उन्हें भी निकालना पड़ेगा,
देखा जाए तो M4 क्या है, सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड मेथड क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर है। आगे देखते हैं डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर, क्यों नहीं होते? बहुत लीगल टेंडर एजर्शन रीजनिंग के अंदर आ सकता है, लीगल टेंडर नहीं होते, क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर विद द बैंक एंड चेक कैन बी इशूड अगेंस्ट दीज ट्रांसफर, इन ट्रांसफर्स के अगेंस्ट चेक में इशू हो सकते हैं। बैंक के अंदर गुप्ता जी ने भी डाला, शर्मा जी ने भी डाला, तीसरे भटेजा साहब आगे पैसे लेने के लिए, हमने तो भटेजा साहब को पैसा दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो क्या लीगल लीगल पैसा है? सर लीगली थोड़ी ना, हमने तो डाल दिए, हम बैंक को बस इतना पता है कि जी शर्मा जी का इतना पैसा आया है, वो आएंगे, किसी तीसरे बंदे का पैसा आएगा हम उन्हें दे देंगे। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखा जाए ये एक मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय इकोनॉमिक्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ वो फंक्शन ऑफ मनी, कौन सी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग? केंद्रीय इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है और चैप्टर को करते हैं समाप्त। थैंक यू भी लिखा गया, पहले थोड़ा थैंक यू ऐड कर देते हैं, लास्ट टॉपिक तो समझा दे। डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? लेट्स सी द हेल्प ऑफ बेसिस, मैं हमेशा कहता हूं डिफरेंशिएशन किसके से आपसे लिखना है, हमेशा बेसिस के अकॉर्डिंग लिखना, ज्यादा कुछ नहीं यार इकोनॉमिक्स के तो डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब जैसे इसमें पूछा आपको पता है टर्म डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, दोनों चीज मैंने अच्छे से समझाई है, अगर आपको नहीं भी आती आप बैंकिंग के अंदर वापस इन सारी चीजों को अच्छे से सीखोगे। तो सबसे पहले टाइम बेसिस, सर टर्म डिपॉजिट्स के अंदर कोई भी हमारी कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, ये जनरली एफडी होती है। टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? एफडी होती है, सॉरी टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? एफडी होती है। और डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं जो आपके नॉर्मल पैसे है वो क्या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखता है? नहीं सर, जब मर्जी निकाला जब मर्जी डाला वही बात होगी। और टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? एफडी के अंदर जब मर्जी पैसा डाला जब मर्जी निकाला, नहीं सर पैसा तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा टाइम बेसिस की एफडी का स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑफ टाइम के लिए होती है कि 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। डिमांड डिपॉजिट जब तक आप बंद नहीं करते अकाउंट तब तक चल रहे जा रहे, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। विड्रॉल ऑफ अमाउंट की पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, दे कैन नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम, दे कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट इशू ऑफ चेक। देखो अगर पैसा ही नहीं निकाल सकते तो आप चेक भी इशू नहीं कर सकते, कॉमन सेंस। और अगर देखा जाए अगर आप पैसा निकलवा सकते हो तो आप चेक भी उसके बदले में जो है इशू कर सकते हो। तो विद दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ सप्लाई ऑफ मनी का भी हमने कंसेप्ट पूरा कर लिया, हमने पूरा चैप्टर ए टू जेड अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं। सो टिल देन सी यू गाइस, इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब इसका वन शॉट भी आ जाएगा, वन शॉट भी अगर लगाना चाहो क्विक रिवीजन के लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, नया नया चैनल है, अभी हम 210 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। आप लोगों का प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, हम 500 तक भी पहुंचे तब भी हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो प्लीज गाइस थैंक यू वेरी मच। ओके टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।